है एवरीवन दिस इज़ चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रीन्स एंड एंड टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड्स दैट वी कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड इम्पॉर्टेंट अब वर्ड इम्पॉर्टेंट कब यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यानि नेसेसरी है राइट right? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बोलना है कि अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है तो वहाँ का जो फी क्राइटेरिया है वहाँ के जो रिज़ल्ट uh, हैं वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है इम्पॉर्टेंट है राइट यू शुड नो इट यू मस्ट नो इट इट इज़ नेसेसरी इट्स इम्पॉर्टेंट तो एक तो ये चीज हो गई नंबर टू अगर कोई टीम है उसके जो भी प्लेयर्स होते हैं जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल तो वो क्या कर रहे हैं उनकी वजह से टीम जो है वो जीतने का या हारने का जो भी फैसला है वो हो सकता है राइट right? तो यहाँ पे भी आपने टर्म इम्पॉर्टेंट यूज कर लिया नेक्स्ट अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर किसी ने डिसीजन लिया है या कोई ओपिनियन दिया तो उसकी वजह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो देखने को मिला तो हर जगह आप कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहते हो दैट इट वॉज लाइक वेरी नेसेसरी बहुत जरूरी था तो हम यूज करते हैं वर्ड इंपॉर्टेंट बट क्या एक ही वर्ड है पास? नहीं. बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप इस पर्टिकुलर वर्ड इंपॉर्टेंट की जगह यूज कर सकते हो वो कौन से उनका मीनिंग क्या है कहां यूज किया जाता है एवरी थिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वर्ड इज सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मतलब हिंदी में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पता ही है हम इंपोर्टेंट को बोलते हैं जिसका मतलब है सफिशेंटली ग्रेट और इंपॉर्टेंट टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन या फिर बोल सकते हो नोट वर्दी सिग्निफिकेंट मतलब जिसका कुछ इंपॉर्टेंस हो सिग्निफिकेंस हो तो कोई भी चीज दैट इज नोट वर्दी जिसको ध्यान में रखना नोटिस करना बिल्कुल सही है इट्स वर्दी ऑफ गैरिंग नोटेड तो उसे हम बोलते हैं द वर्ड इज सिग्निफिकेंट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज़ जो है हुई जिसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिला तो हम बोल सकते हैं इट वॉज़ सिग्निफिकेंट कैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बोलें द इंक्रीज वॉज एन इम्पॉर्टेंट वन इन द शेयर या फिर द इंक्रीज़ ऑफ द नंबर और द इंक्रीज ऑफ द परसेंटेज वॉज इम्पॉर्टेंट इन शेयर मार्केट अब वहाँ पर इंपॉर्टेंट की जगह अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो जो इंक्रीज हुआ उसकी वजह से एक नोटिसबल चीज़ देखने को मिली इट वॉज लाइक इंपॉर्टेंट बिकॉज उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ जो नोटिस में आया तो बोल सकते हो द इंक्रीज वॉज अ सिग्निफिकेंट वन तो so, जब भी आपको ऐसा कुछ बताना है जो कि इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ उसकी वजह से एक चेंज देखने को मिल रहा है, इट इज वर्थी टू नोटिस, तो हम बोलते हैं वहां पर कि वहां हम वर्ड यूज कर सकते हैं सिग्निफिकेंट क्लियर जैसे कि आप बोलो यस फॉर द प्रपोजल और हिज यस फॉर द प्रोजेक्ट फॉर आर कंपनी वुड बी सिग्निफिकेंट या वट ही डिड फॉर द प्रोजेक्ट वॉज सिग्निफिकेंट तो उसने जो कुछ भी किया वो वर्दी था इट वॉज लाइक नोट वर्दी इसीलिए हमने वहां इंपॉर्टेंट की जगह क्या यूज कर लिया वर्ड सिग्निफिकेंट डन ऑल राइट नेक्स्ट इज असेंशियल अब ये वर्ड हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा कॉमनली जब हम बात करना चाह रहे हैं जैसे अगर किसी ने बोला कि आ, ये सारी चीजें जैसे अगर हम किचन की बात करें सामान की ग्रोसरीज वगैरह की बात करें या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो असेंशल्स होते हैं इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेसेसरी है उनके बिना काम नहीं चलेगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर जाते हो अपने या फिर आप कहीं पर भी रह रहे हो कुछ चीजें हैं जो आप डेफिनेटली खरीदोगे हर कोई खरीदेगा अगर वो कहीं पर भी हो ना अपना शिफ्ट हो रहा है या किसी घर में रहने वाला है बिकॉज कुछ चीज़ें हैं विच आर

अगर कोई ऑफिस है वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट को यू you नो know, अगर फाइल को पास करना है कि हाँ हम इसको अब यू नो हंड्रेड परसेंट बोल रहे हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे दिस इज समथिंग जो कि हमारा फाइनल मोटो होगा तो अब वो तभी फाइनल होगा ना जब जो बॉस हैं वो अपना एक एडवाइस देंगे या अपनी परमिशन देंगे सो द परमिशन ऑफ द बॉस इज इम्पोर्टेंट येस इट इज असेंशियल ऑल्सो तो वो जरूरी है उसके बिना काम ही नहीं होगा सो इट इज असेंशियल सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेम्पोर्टेंट वहां बोल दो असेंशियल वो थोड़ा और डिग्री बता देता है एक्सट्रीमिटी uh, की हाँ भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है सो इंस्टेड ऑफ सेम्पॉर्टेंट यू कैन सेल सेकेंडली आप बोल सकते हो जैसे एडिंग सोल्ट इन कुकिंग या दूस ऑफ सॉल्ट वाइल कुकिंग इज असेंशियल राइट बिकॉज बिना नमक के कितना भी टेस्टी होगा खाना वो टेस्टी नहीं लगने वाला सो दिस इज हाउ हम इस वो वर्ड को भी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द वर्ड इंपॉर्टेंट डन ऑलराइट नेक्स्ट इज क्रूशियल क्रूशियल का मतलब ही होता है महत्वपूर्ण ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट की जगह देख रहे हो तो क्रूशियल का मतलब वही निकलेगा सो क्रूशियल मींस समथिंग विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ईटिंग हेल्दी फूड इज क्रूशियल फॉर योर गुड हेल्थ

बट फॉर द फैमिली इसका मतलब तुम्ही हो भाई जिसको घर के खर्चे उठाने हैं खाना वाना बनाना है तो उसके लिए तुम्हारे लिए सिलेक्ट होना दिस जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है इट इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इट वुड बी क्रूशियल ठीक है सो so, कोई भी चीज जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है जरूरी है हम बोलते हैं दैट इज क्रूशियल क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज मेजर

मेजर uh, बोल सकते हो द मेजर पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट या हिज स्पीकिंग इन इंग्लिश प्रॉपरली इज अ मेजर थिंग फॉर दिस इंटरव्यू टू गेट सिलेक्टेड ऐसा बोल सकते हैं ठीक है क्योंकि हम नॉर्मली क्या बोलते हैं क्योंकि बार बार वो इंपॉर्टेंट दिमाग में आता है बोलने में हम क्या बोलते हैं कि हिज uh, बोल सकते हैं हिज कम्युनिकेशन स्किल्स या हिज एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंटरव्यू तो हम इंपॉर्टेंट की जगह बोल सकते हैं इज मेजर यानी वो सबसे मेन है इट्स प्रमुख तो कोई चीज़ जो सबसे टॉप पे आ रही है लाइक ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट्स ऑन लाइक द वेरी फर्स्ट थिंग टू बी बोल सकते हैं नोटिस करने के लिए तो यू कैन यूज़ द वर्ड मेजर डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वाइटल नाउ वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है जैसे वाइटल ऑर्गन्स हम ज्यादा सुनते हैं तभी हमने वाइटल वर्ड सुना होगा अगेन दिस मीन्स महत्वपूर्ण इन हिंदी बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट नेसेसरी फॉर द सक्सेस और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट something that is extremely important necessary for the existence of something or someone उसे हम बोलते हैं vital for example अगर कोई बोले this medicine is vital for your health अगर कोई है जो suffer कर रहा है किसी disease से और अगर उसने वो medicine नहीं खाई consume नहीं की तो वो बहुत major effects देख सकता है it means that is of extreme importance that is vital ठीक है अगर कोई बोलता है that uh, Uh, his command on Hindi language is uh, vital for this particular job. अगर किसी job के लिए अगर उसको जाना है तो this is like the most important thing. तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for existence something which is extremely important. Yes, हम use कर सकते हैं word vital. Done, all right. Next is momentous. Momentous means सबसे अहम दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट तो भाई कोई चीज़ है जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चेंज हुआ सो दिस वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट या फिर अगर किसी ने बोला कि भाई अभी जो ये प्रोजेक्ट है इसमें हमें ये पॉइंट जो है एजेंडा का वी नीड टू लाइक करेक्टिफाई इट वी नीड टू चेंज इट करेक्टेड तो वो क्या है इट्स मोमेंटस चेंज ठीक है सो इफ समथिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वो जो चीज़ हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी फॉर पर्टिकुलर थिंग जो कुछ भी हुआ वी यूज द वर्ड मोमेंटस बिकॉज इट मीन्स सबसे अहम फॉर एग्जाम्पल द चेंज इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कोई भी है दैट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट राइट तो आप बोल सकते हो दिस वॉज अ मोमेंटस चेंज मेड इन द प्रोजेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डन ऑल राइट नेक्स्ट इज मतलब जो कंसिडर करोगे किसे करोगे कंसिडर जो इंपॉर्टेंट होगा राइट सो कंसिडरेबल मीन वर्थ कंसिडरेशन तो हिज स्पीच वॉज कंसिडरेबल यानी बहुत इंपॉर्टेंट थी या फिर द रोल ऑफ द कैप्टन इज कंसिडरेबल फॉर द टीम तो यहां पर जब भी हम बात करते हैं कोई भी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसे नोटिस करना बहुत जरूरी है जो नोट वर्दी है दैट इज समथिंग जो इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसे बोलेंगे कंसिडरेबल दिस वॉज अ कंसिडरेबल चेंज टेकन दिस वॉज अ कंसिडरेबल स्टेप टेकन क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज नोट नोट नोटवर्दी मतलब ध्यान देने योग्य ध्यान देने योग्य क्या होगी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी राइट सो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट दैट इज वर्थ नोटिस समथिंग दैट्स इंटरेस्टिंग समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट समथिंग दैट इज बहुत ज्यादा ज़रूरी टू नोटिस इट इज़ वर्थ नोटिसिंग तब हम बोलते हैं इट्स अ नोट वर्दी थिंग फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी फाइल पढ़ रहे हो आप कोई प्रोजेक्ट पढ़ रहे हो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए क्योंकि उन्हीं की वजह से आपको मेजर जो एजेंडा uh, है या जो भी उस फाइल में लिखा है वो समझ आएगा सो दीज आर नोट वर्दी पॉइंट्स ठीक है बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो इट इज नोट वर्दी बिकॉज उसको ध्यान देना उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है अदरवाइज समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्लियर सो है? so, कुछ भी चीज जो ध्यान देने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है बिकॉज ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ सेंग दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बोल सकते हो दीज आर नोट वर्दी पॉइंट्स डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अर्थ शेकिंग अब अर्थ शेकिंग का मतलब होता है अत्यंत प्रभावशाली या महत्वपूर्ण समथिंग दैट हैज़ अ मेजर इफेक्ट ठीक है यानी उस टर्म्स में हम जा रहे हैं जहां हम बोल रहे हैं हैविंग अ ग्रेट और इंपॉर्टेंट इफेक्ट वेरी सरप्राइजिंग और शॉकिंग कुछ ऐसा हो जाना जो इतना शॉकिंग है जो इतना सीरियस है जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट देखने को मिला इफेक्ट देखने को मिला क्लियर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई न्यूज़ देता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा सपोज uh, कोई नया प्रेसिडेंट बना है कोई नया प्राइम मिनिस्टर बना है जिसके बनने के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे यानी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था फॉर द कंट्री तो वहाँ पर इट सेंगे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो इट वॉज अर्थ शेकिंग तो ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है कोई भी यू you नो know, न्यूज़ या कोई भी ऐसी खबर बताने के लिए जो कि शॉकिंग होती है सरप्राइजिंग होती है जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उसे

इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इनफ टू रिसीव अटेंशन अगर कोई चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है जिसको हम यू नो नोटिस करें या करना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं नोटेबल यानी कि जैसे अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं किसी भी फाइल में या प्रोजेक्ट में जैसे या टीम में वो सारे चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं उनको देखना या समझना जरूरी है जैसे अगर कुछ छोटे मोटे चेंजेस होगा जिनको नहीं भी देखोगे चलेगा कोई मतलब नहीं था उनको यू you नो know, एक बार भी नोटिस करने का वो अलग बात हो गई बट अगर कुछ मेजर चेंजेस हैं मेजर वर्ड हमने देखा इंपॉर्टेंट चेंजेस ठीक है वैसे ही उसको हम बोल सकते हैं कि भाई वो नोटिस करने लायक है तो यू कैन से दीज आर द नोटेबल चेंजेस मेड राइट क्यों क्योंकि ये नोटेबल इसलिए है बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट सो ऐसा कुछ जिसको नोटिस करने बहुत जरूरी है दैट इज लाइक वर्दी ऑफ रिसीविंग द अटेंशन तब हम यूज करते हैं नोटेबल डन ऑल राइट नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट यह मतलब होता है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और फेमस देखो अब यहां पर इंपॉर्टेंस का मतलब उस ट में है जब कोई जो है बहुत ज़्यादा फेमस है या मेन है ठीक है तब हम यूज़ करते हैं प्रोमिनेंट जैसे अगर कोई जो है पॉलिटिक्स में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और इम्पॉर्टेंस रखता है लोग जानते हैं उनके बारे में बिकॉज ऑफ द एक्शंस ही डू और बिकॉज ऑफ द थिंग्स ही हैज़ डन तो हम बोल सकते हैं दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अ प्रोमिनेंट फिगर इन पॉलिटिक्स ठीक है प्रोमिनेंट मतलब इम्पोर्टेंट बिकॉज ही इज फेमस ही इज समन जिसको पता होना चाहिए आपको जिसके बारे में दैट इज प्रोमिनेंट. सिमिलरली अगर आपको कहीं पे भी और जगह बात करनी है तो यू कैन बी लाइक दिस इज पर्सन इज अ प्रोमिनेंट पर्सन इन दर फैमिली दैट पर्सन इज द प्रोमिनेंट वन इन दिस ऑफिस तो इस तरीके से कोई भी जो इम्पोर्टेंट और फेमस है उस पर्टिकुलर फील्ड या जगह पे हम वहां पे वर्ड यूज कर लेते हैं प्रोमनेंट इन स्टेड ऑफ से वर्ड इम्पोर्टेंट डन ऑल राइट नेक्स्ट इज मीनिंगफुल मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई यूज हो जो वर्थिट हो यानी जो सार्थक हो सार्थक मतलब सबको पता है राइट जिसका कुछ इम्पोर्टेंस हो सो यूजफुल इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इफ समथिंग इज यूजफुल इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है तो अगर कोई भी चीज़ जो है अगर हम बोलते हैं दैट इज़ मीनिंगफुल इसका मतलब इट इज़ यूजफुल एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें हिज स्पीच वॉज अ मीनिंगफुल यानी दैट वॉज एन इम्पोर्टेंट थिंग अगर कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है वो जरूरी है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है तो हम बोल सकते हैं दिस प्रेजेंटेशन वॉज अ मीनिंगफुल क्लियर तो इस तरीके से जब आपको बोलना है कि कोई चीज़ यूज़फुल है एंड इम्पॉर्टेंट है ठीक है या फिर इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज वो यूजफुल है तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड मीनिंगफुल डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वैल्यूएबल सेम चीज है ठीक है मीनिंगफुल है तो काम का है सिमिलरली अगर किसी की इंपॉर्टेंस होगी तो वो वैल्यूएबल होगा सो बहुत उपयोगी या वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को भी कोई भी चीज़ काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टूल की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग ठीक है उसके बिना काम नहीं होगा सो दैट टूल इज़ अ वैल्यूएबल थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन ठीक है तो कोई भी चीज़ जिसकी इंपॉर्टेंस है जिसकी वैल्यू है बिकॉज उसके बिना काम नहीं होगा इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो वर्ड वैल्यूएबल तो आपको हर जगह जहां इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करना है सेंटेंसेस में अगर वहां पे मीनिंग ये निकल रहा है कि वो चीज बहुत यूजफुल है उसकी वैल्यू है आप यूज करो वैल्यूएबल इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड इंपॉर्टेंट डन ऑल राइट नेक्स्ट इज नेसेसरी अब नेसेसरी मतलब जरूरी ऑब्वियसली पता है दैट इज नीडेड फॉर अ पर्पस और अ रीजन तो जब कोई चीज बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है अगर आपको ऐसा बोलें कि एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर लाइफ या um, आप बोलना चाहो कि मेकिंग मिस्टेक्स इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या हैं बहुत ज़रूरी हैं तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो क्या कि आपने बोला एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ और एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बींग ठीक है एवरी इंडिविजुअल तो इम्पॉर्टेंट की जगह आप बोल सकते हो एजुकेशन इज नेसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल सो इन स्टेड ऑफ सेम्पॉर्टेंट येस आप नेसेसरी वर्ड यूज कर सकते हो जहां आप बोलना चाहते हो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है डन ऑल राइट नेक्स्ट इज फंडामेंटल अब आपने फंडामेंटल कोर्स या बेसिक्स वर्ड सुना होगा राइट तो फंडामेंटल का मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे बहुत से कोर्सेज uh, होते हैं जिनके बारे में यू नो कैटेगराइज कर दिया जाता है दिस इज द फंडामेंटल कोर्स यानी वो बेसिक है वो इंपॉर्टेंट है वो आधार है ठीक है सो समथिंग दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वुड बी नोन एज फंडामेंटल फॉर एग्जाम्पल इसका मीनिंग अगर हमें देखना है तो फॉर्मिंग अ नेसेसरी बेस और कोर और ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस मतलब मेन है ये ठीक है तो अगर हम बोलते हैं दी दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ ए बी सी कोर्स तो ए बी सी कोर्स में आप जो भी पढ़ोगे उसका जो मेन पार्ट है जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पता होना चाहिए हम बोल सकते हैं उसके लिए वर्ड फंडामेंटल ठीक है तो आपको कभी भी बोला जाता है यू शुड क्लियर योर फंडामेंटल्स या दिस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस प्रोजेक्ट तो इसका मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज समथिंग जो अगर नहीं पता होगा तो आगे जाके नहीं समझ पाओगे तो वो इम्पोर्टेंस अगर आपको बतानी है है, कि कोई है, कोई बेस आधार है कोई कोर है तो मतलब वो क्या है फंडामेंटल तो इम्पोर्टेंट की जगह डेफिनेटली यूज करोगे वर्ड फंडामेंटल क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज मेन मेन वर्ड मतलब मुख्य अब मेन जो है आप ऐसे भी यूज करते हो कि भाई दिस पर्सन इज द मेन पर्सन इन द फैमिली यानी जैसे हमारी फैमिली में अगर फादर हैं ठीक है ठीके? या ग्रैंड फादर है जो भी मेन होते हैं हमारी फैमिली में हम क्या बोलते हैं मेन पर्सन है ऐसे तो बोला मैंने मेन होता है मतलब दे आर द इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ हर फैमिली दैट पर्सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन तो वहां आप यूज कर सकते हो मेन ठीक है सो चीफ इन साइज और इंपॉर्टेंस फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला कि दिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट इज द मेन इंग्रेडिएंट या आप कभी भी कोई भी चीज खरीदते हो पीछे इंग्रेडिएंट्स चेक करो मेन इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस चीज़ में या सबसे ज्यादा अमाउंट में ये यूज हुए हैं ठीक है सो वेन so, समथिंग इज़ वेरी or और होल्डिंग एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन उस चीज़ में या उस प्रोडक्ट में या फैमिली में कुछ भी तब हम यूज करते हैं वर्ड मेन विच वी ऑलरेडी नो बिकॉज बहुत बेसिक सा वर्ड है बट येस yes, इसको इंपॉर्टेंट की जगह भी आप यूज कर सकते हो क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट वन इज चीफ अब चीफ मिनिस्टर मतलब मेन ऑफ द मिनिस्टर्स तो इससे याद रखो चीफ का मतलब ही होता है प्रमुख मेन इंपॉर्टेंट सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चीफ ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चीफ इंग्रीडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिश मतलब सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये नहीं डाला तो वो डिश बनेगी नहीं ठीक है इसी तरीके से अगर आपको बोलना है दिस पर्सन इज या uh, जो भी इंप्लॉय है या कोई टीम लीडर है कुछ ऐसा बोल सकते हो दिस पर्सन इज द चीफ पर्सन या चीफ पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप या फिर चीफ मिनिस्टर तो कहीं पे भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है अगर आप बोलना चाहते हो कोई भी सेंटेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको हटा के आप वर्ड चीफ लगा दो दैट इज गोइंग टू डू द जॉब डन ऑल राइट नेक्स्ट इज प्रिंसिपल अब ये प्रिंसिपल ऑब्वियसली हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो तो मीनिंग होता ही है साथ ही साथ प्रिंसिपल का मतलब मेन भी होता है यानी प्रमुख भी होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है सो दिस मीन्स फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस और मेन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पोजिशन है कोई जैसे कहीं पे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उनमें जो सबसे ऊपर आता है सबसे मेन पोजिशन है जिसकी दैट पर्सन इज द प्रिंसिपल मेंबर ऑफ दैट ग्रुप ठीक है तो कभी भी आपको कोई मेन बताना है जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट

Next is key, key ingredient.

ज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो कभी भी हमें सबसे ज्यादा क्रूश इम्पोर्टेंस सिग्निफाई करनी है कन्वे करनी है वी यूज द वर्ड की इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड इम्पोर्टेंट डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज सेलियंट अब जैसे आप कभी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और उसके अंदर यू नो लिखा है सेलियंट फीचर्स ऑफ जो भी टॉपिक है तो सेलियंट फीचर्स मतलब इम्पॉर्टेंट फीचर्स ठीक है तो इसका मतलब अगेन मुख्य बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट नोटिसिबल और इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ठीक है और उसके सेलियंट फीचर्स मतलब इसको पढ़ना सबसे ज्यादा ज़रूरी है उस टॉपिक को कंसिडर करने के लिए और समझने के लिए सो वेन वी सी सेलियंट एज द वर्ड इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है सो मोस्ट नोटिसिबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट की जगह आप यूज़ कर सकते हो सेलियंट फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमनली इसको यूज यही किया जाता है सेलियंट फीचर्स जिसके भी बारे में बात हो रही है उसके क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज फॉर मोस्ट फॉर मतलब सबसे पहले मोस्ट मतलब ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सो so, सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोमनेंट इन रैंक इंपॉर्टेंस और पोजिशन फॉर एग्जाम्पल अगेन आप प्रायोरिटी की बात कर रहे हो आप सीनियोरिटी की बात कर रहे हो कहीं पे भी अगर आप टॉप पे बताना चाहते हो कि भाई ये क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट है तो आप वर्ड वहां पे यूज करोगे इंपॉर्टेंट की जगह या मोस्ट इंपॉर्टेंट की जगह फोर मोस्ट ठीक है यानी सबसे पहले इस चीज पे ध्यान देना है तो वहां फोर मोस्ट यूज कर लो भाई ये जो है इससे बात करना या ये जो पर्सन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पहले जाना पड़ेगा मिलने तो भाई वो, है, ठीक है? So is, तो वो क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट की जगह आप लिख सकते हो फोरमोस्ट डाइट नेक्स्ट इज पैरामाउंट पैरामाउंट मीन प्रमुख महत्व का यानी मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स सुप्रीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ठीक है तो पैरामाउंट का मतलब ही होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुप्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें दिस पॉइंट और दिस डिसीजन इज पैरामाउंट डिसीजन या फिर दिस इज द पैरामाउंट थिंग तो कोई भी आप चीज के आगे अगर पैरामाउंट लगा रहे हो इसका मतलब वो यही सिग्निफाई कर रहा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है सो पैरामाउंट इज यूज to again signify that the thing is very important or most important clear all right next is कार्डिनल 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 अब नंबर्स नंबर्स ऑर्डिनल वगैरह देखते हैं बट का एक और मतलब होता है दैट इज प्रमुख इसका मतलब ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस और फंडामेंटल ठीक है तो अगर कोई भी चीज में अगर आप कार्डिनल वर्ड देखते हो इसका मतलब वो बहुत बेसिक है बेसिक मतलब वैसा नहीं कॉमन मतलब बेस है वो ठीक है किसी भी चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो चीज इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं कार्डिनल ठीक है सो कार्डिनल ऑल्सो मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डिनल नंबर्स भी होते हैं जो हम पढ़ते हैं कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स बट ये कार्डिनल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट भी होता है डन ऑल राइट नेक्स्ट इज इनडिस्पेंसिबल इसका मतलब अनिवार्य इसको आप बिल्कुल भी हटा नहीं सकते अवॉइड नहीं कर सकते अनअवॉइडबल इज़ इन डिस्पेंसिबल सो इट्स एप नेसेसरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो इफ अगर आप बोल रहे हो कि यू नो कोई भी चीज़ जो है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता दैट इज़ समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां आप वर्ड लगा सकते हो इनडिस्पेंसिबल जिसका मतलब होता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनिवार्य है नेसेसरी या नेसेसिटी है और इसको बिना काम नहीं चलने वाला so, जब भी आप ये देखो, indispensable, या आपको यूज करना है कोई भी मीनिंग जहां आप ये बताना चाहते हो समथिंग इज नेसेसरी इट कैन नॉट बी अवॉइडेड तो हम यूज करते हैं पे word, indispensable. All right. जब भी हमें आ, कोई भी ऐसा पर्सन मिले या हमने कोई आइडिया सुना ठीक है एंड इफ़ यू वांट टू टेल कि भाई वो बहुत अलग था तो हम क्या बोलते हैं इट्स ओ वेरी क्रिएटिव यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन ओ वाओ दिस इज़ वेरी क्रिएटिव तो वेरी क्रिएटिव वेरी क्रिएटिव हम यूज़ करते रहते हैं राइट ये बताने के लिए कि ये बहुत अलग था ये कुछ हटके था बट हमें क्या यूज़ करना चाहिए उसकी जगह वर्ड इनोवेटिव बिकॉज वेरी क्रिएटिव का ही मतलब क्या होता है भाई इनोवेटिव या इनोवेटिव का मतलब ये होता है वेरी क्रिएटिव सो इफ़ यू गेट अ चांस टू से वेरी क्रिएटिव काइंड ऑफ जस्ट यू नो रिप्लेस दैट विद द वर्ड इनोवेटिव फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है कि भाई कोई कॉम्पिटिशन है ठीक है और वहाँ पर यू आर काइंड ऑफ़ टेलिंग योर पेरेंट्स या योर फ्रेंड्स की एग्जैक्टली exactly कॉम्पिटिशन में कौन जीतेगा और आप यहाँ बताना चाहते हो कि भाई जिसकी सबसे ज्यादा क्रिएटिव डिज़ाइन होगी ना वही जीतेगा सो वॉट यू वुड से यू विल टेल द वन विच हैज वेरी क्रिएटिव डिजाइन राइट क्रिएटिव डिजाइन बट हम वेरी क्रिएटिव तो बोलते ही है अगर हमें इसको हटाना हो तो हम क्या बोलेंगे ओनली इनोवेटिव डिजाइन प्राइज इन दिन या फिर इनोवेटिव डिजाइन इज गोइंग टू विन्पिटिशन सो आपको जब भी वेरी क्रिएटिव यूज करना है ये बताने के लिए कि भाई बहुत ज्यादा हटके था ये बहुत अलग था ठीक है ना यू हैड अ वेरी क्रिएटिव आइडिया यू कैन बी यू हैड यू यू आर इनोवेटिव इनोवेटिव हैव आइडियाज तो वहां पर आप वर्ड इनोवेटिव ही यूज करो ऑल राइट नेक्स्ट वन है अगर कोई जगह है जब बहुत क्राउड है मतलब बहुत भीड़ है तो एक ही वर्ड आता है हमको क्या बोलते हैं भाई इट वॉज वेरी क्राउडेड राइट अलॉट ऑफ क्राउड इज देर इट्स वेरी क्राउडेड तो वेरी क्राउडेड वेरी क्राउडेड इज समथिंग जो हम बहुत बार यूज करते हैं तो एक वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेरी क्राउडेड दैट इज द वर्ड बस्टलिंग यानी जहाँ बहुत भीड़ है कोई जगह थी कैसा था भाई वो मार्केट भाई बहुत भीड़ थी तो हम क्या बोलते हैं इट वॉज वेरी क्राउडेड डोंट से दैट यूज द वर्ड बसलिंग फॉर एग्जाम्पल द मॉल वॉज बसलिंग ऑन विकेट आप क्या बोलना चाह रहे हो फॉर एक्जाम्पल यू विजिटेड द मॉल ठीक है ऑन वीकेंड इधर यू वेंट ऑन अटरडे और अ संडे तो आपसे किसी ने पूछा हाउ यर एक्सपीरियंस यू वेंट विदिंग इन द मॉल एंड यू वॉन्ट टू टेल सब कुछ ठीक था बट बहुत भीड़ थी द मॉल वॉज वेरी क्राउडेड यही बोलते हो डोंट सेड टू से मॉल वॉज बसलिंग ऑन वीकेंड यानी द मॉल वॉज वेरी क्राउडेड तो जब भी, भी, भी वे वेरी क्राउडेड आपको यूज करना है किसी सेंटेंस में उसको काटो भाई उसको हटा दो और क्या लगा दो वहाँ पर बसलिंग क्लियर ऑल राइट right. नेक्स्ट वन इज अ वेरी क्यूट वेन यू सी अ पर्सन स्पेसिफिकली जब भी हम छोटे बेबी को देखते हैं हम ये बोलते हैं ओ वेरी क्यूट बेबी ठीक है तो वेरी क्यूट तो हर कोई बोलता है ना हम क्या क्यूज यूज़ कर सकते हैं वर्ड अडोरेबल अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पीलिंग है बहुत क्यूट है तो आपको क्या बोलना है इंस्टेड ऑफ वेरी क्यूट से द वर्ड अडोरेबल फॉर एग्जाम्पल द लिल बेबी इन माई नेबरहुड इज बल यू शुड नॉट बी लाइक एंड शी इज अडो पिक्चर तो यहाँ पर आपको अगर ये वर्ड यूज करना है कि भाई दिस इमेज या फिर दिस गर्ल और दिस बेबी इज सो क्यूट इज वेरी क्यूट आप यही बोलते हो डोंडोरेबल द बेबी इन माई नेबरहुड इज अडोरेबल ओ वोटोरेबल बेबी तो इस तरीके से अडोरेबल वर्ड को आप यूज करना स्टार्ट करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी क्यूट डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अगर कोई चीज आपको बहुत खतरनाक लग रही है तो हम क्या बोलते हैं इट्स वेरी डेंजरस नहीं 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 बहुत खतरनाक है भाई इट्स वेरी डेंजरस आई एम नॉट गो गो देयर राइट तो आप वेरी डेंजरस तो यूज ही करते हो स्टार्ट यूजिंग अ वर्ड थ्रेटनिंग देयर हम यूज सुनते हैं ना वर्ड्स थ्रेट है ये धमकी है तो उसी तरीके से कोई चीज़ जो बहुत डरावनी होती है उसे हम थ्रेटनिंग कहते हैं सो इफ यू हैव टू यूज वर्ड वर्ड्स वेरी डेंजरस गो फॉर द वर्ड थ्रेटनिंग इंस्टिट फॉर एग्जांपल, द लेक लुकड थ्रेटनिंग टू द स्विमर्स फॉर एग्जांपल, कोई भी जगह है वहां पर बहुत अच्छे लेक्स हैं ठीक है दर इज अ पर्सन हुइल यानी लवर ऑफ लेक्स तो वो जा रहे हैं भाई वहां पर कुछ स्विमर्स हैं कि हम भाई हम इस लेक में स्विमिंग करेंगे ठीक है बट they went like near to the lake उनको दिख गया कि बहुत डीप वॉटर है बहुत खतरनाक लग रहा है लेक दिखने में मतलब डर लग रहा है कि नहीं कुछ हो सकता है हो सकता है सो हाउ दे आर वोनर सेम मतलब कैसे नॉर्मली बोलते हैं

ठीक है इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हम क्या बोलते हैं इट्स वेरी डार्क मतलब कुछ दिख नहीं रहा है बहुत अंधेरा है तो इधर और कोई बोलता है ना स्टार्ट यूजिंग लाइटलेस मतलब जहां पर रोशनी नहीं है वही क्या है अंधेरा है सो so, लाइटलेस एक वर्ड है जो आप वेरी डार्क की जगह यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताना है हाउ वॉज यंस इन द होटेल वेर शी यू नो स्टेड फॉर द वोकेशन और वो आपको बताना चाह रही है कि द लाइट वेंट सडनली इलेक्ट्रिसिटी वॉज गॉन इट वॉज सो डार्क ठीक है एंड आई वॉज वॉकिंग इन वेरी डार्क

वर्ड प्रैक्टिकल सबको पता होता है बट एक आदत हो जाती है ना हमारी वेरी वेरी लगा के वर्ड यूज करने की तो हम वही यूज़ करते हैं जैसे अगर आपको कोई चीज लगती है जो बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कुछ भी ऐसा सजेशन दिया ठीक है एडवाइस दी और सामने वाले ने बोला कि अरे ये थोड़ी होता है मतलब हाउ डेयर शी से दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी जल्दी आ, सीधे से कैसे बोल दिया सो यू कैन टेल द पर्सन कि इट्स गुड ना इट्स वेरी वेरी रियलिस्टिक यानी हर सजेशन इज वेरी रियलिस्टिक तो उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो प्रैक्टिकल्स हाउ यू विल सेलवेज प्रैक्टिकल वाइल मेकिंग डिसीजन इफ यू वॉन्ट टू से माई फ्रेंड इज ऑलवेज वेरी रियलिस्टिक वाइल मेकिंग डिसीजन डू नॉट यूज वेरी रियलिस्टिक उसकी जगह क्या यूज कर लो प्रैक्टिकल सो यू कैन से माई फ्रेंड इज ऑलवेज प्रैक्टिकल वाइल मेकिंग डिसीजन यानी वो हमेशा जो सही है वही सोच के करती है ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे ऐसा हो गया तो नो शी नोज दैट आई रेली नीड टू बी रियलिस्टिक यानी शी इज प्रैक्टिकल क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट वन इज वेरी रिच सबको पता है भाई कि वेल्दी किसको बोलते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं राइट तो हम वेरी रिच ही क्यों यूज़ करते हैं वॉट वी से इंस्टेट हमेशा जब भी हमको बोलना होता है कि ये सामने वाला तो बहुत पैसे वाला है हम बोलते हैं ओ इज वेरी रिच ठीक है ना ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली वाई टू से वेरी रिच यू शुड यूज द वर्ड वेल्दी इंस्टेट क्लियर तो आपको क्या बोलना है जैसे आपको बताना है कि भाई सामने वाला बहुत पैसे वाला है तो यू कैन से ही इज़ वेरी वेल्दी

नेक्स्ट वन है अगर कोई चीज़ बहुत रिस्की है ठीक है मतलब बहुत रिस्क है उसमें और आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है यू नेवर नो अगर चीज़ें उल्टी फुलटी हो गई तो कुछ भी हो सकता है तो हम क्या बोलते हैं इट्स वेरी रिस्की तो डोंट यूज द वर्ड वेरी रिस्की इंस्टेट यूज वेरी वर्ड पेरिलस तो क्या होगा सुनील इज फॉन्ड ऑफ पेरिलस एक्टिविटीज लाइक स्काई डाइविंग हम क्या बोलेंगे जैसे सुनील के बारे में बातचीत हुई कि ओ सुनील यू यू वेंट ऑन वेकेशन डिड ओ आई डिड स्काई डाइविंग ओ माई गॉड इट्स वेरी रिस्की सो यू कैन भी लाइक या फिर अपने 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 फ्रेंड को बताते हैं यू नो सुनील इज फॉन्ड ऑफ वेरी रिस्की एक्टिविटीज डोंट यूज वर्ड वेरी रिस्की क्या बोलोगे सुनील इज़ फॉन्ड ऑफ पेरीलेस एक्टिविटीज़ फॉर एग्जाम्पल स्काय डाइविंग जिसमें रिस्क होता है यू नेवर नो वट कैन हैपन ऑब्वियसली एडवेंचरस स्पोर्ट्स को देख के ऐसी लगता है कि भाई घिरी जाएंगे ऐसा होता नहीं है यार सारी सेफ्टी वेफ्टी सब होती है बट देन टू यू नेवर नो वट कैन हैपन सो इट्स इज पेरीस इट्स वेरी रिस्की क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ वेरी ब्यूटिफुल अगर कोई चीज बहुत सुंदर होती है बहुत अपीलिंग होती है हम यही बोलते हैं ना इट्स वेरी ब्यूटीफुल अरे भाई वेरी ब्यूटिफुल क्या होता है अगर वेरी से ब्यूटिफुलता हूँ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ऐसे बोलोगे राइट नहीं ऐसा नहीं बोलना है क्या करना है वर्ड एक्सक्विट लगा देना है इंस्टेड ऑफ वेरी ब्यूटिफुल तो कोई चीज बहुत खूबसूरत है यू नीड टू यूज वर्ड एक्सक्विट नॉट द वर्ड वेरी फॉर एग्जाम्पल द व्यू वॉज एक्सक्विजिट यानी जैसे अगर आप कहीं जाते हो रहने कभी होटल वोटल चले गए आप कोई जगह

मतलब तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमकती है ना मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आती है ऐसे हमारी आँखें ऐसी छोटी हो जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं कि इट्स वेरी ब्राइट बहुत ज़्यादा रोशनी है या इट्स शाइनिंग राइट right? तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो वर्ड ल्यूमिनस यानी बहुत ज्यादा लाइट हो जिसमें बहुत ज्यादा शाइन हो जैसे अगर आपको बताना है आपकी जो वॉच है उसका जो डायल होता है वो बहुत चमक रहा है मतलब बहुत ज्यादा शाइनी है तो डोंट यूज द वर्ड वेरी शाइनिंग इन से माई डायल इज अस डायल क्लियर सो द एरिया वॉज ल्यूमिनस एंड ब्यूटिफुल इफ यू वॉन्ट टू से भाई कोई जगह थी वहां पर बहुत ब्राइटनेस थी बहुत लाइट थी तो आप क्या बोलोगे कि वो जगह ल्यूमिनस थी यानी वो वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी थी बहुत चमक रहा था बहुत ज्यादा ही लाइट थी आंखें खराब हो रही थी चुभ रही थी ठीक है सो so, इस तरीके से आप बोल सकते हो द एरिया वॉज ल्यूमिनस एंड ब्यूटिफुल देन यू कैन से द वॉच आई हैव बॉट इज ल्यूमिनस द डायल ऑफ माई वॉच इज ल्यूमिनस क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी एक्यूरेट जब कोई चीज़ बिल्कुल सही होती है तो हम क्या बोलते हैं एक्यूरेट है वो बट अगर आपको बोलना होता है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है मतलब बिल्कुल सही है ऑन पॉइंट है सो यू कैन यूज द वर्ड एग्जैक्ट ठीक है तो वेरी एक्यूरेट बोलना हो आपको यूज द वर्ड एग्जैक्ट इंस्टिट तो आप अगर बोलना चाह रहे हो कि द इफॉमेशन इज वेरी एक्यूरेट डू नॉट से दैट यूज द वर्ड द इन्फॉर्मेशन इज एग्जैक्ट क्लियर सो चार वी हेल्प द कॉप्स बाय टेलिंग द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द थी चार क्या किया पुलिस वालों को, को मदद कीट इन्फॉर्मेशन देकर अबाउट द थीफ सो इट वॉज वेरी हेल्पफुल सो इसलिए आपने यहाँ पर वेरी एक्यूरेट को न यूज करके क्या यूज कर लिया डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज वेरी हैप्पींग जो हम मतलब आई गई सभी यूज़ करते हैं ठीक है ना इफ uh, बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप यही बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो देयर डोंट यूज द वर्ड वेरी हैप्पी इंस्टेड क्या यूज़ करने लगो वर्ड एक्सटेटिक I was ecstatic to see this. ठीक है या फिर I was ecstatic to get the news. तो वहाँ पर आप very happy ना बोलकर ये word use करो, it would sound very beautiful. So Sachin was ecstatic at the news. So Sachin क्या था भाई बहुत ज़्यादा खुश था news सुनकर. तो Sachin was ecstatic at the news. Clear? All right. Next is very hard. कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. तुम क्या बोलते हो? It's very hard. ठीक है ना डोंट यूज द वर्ड वेरी हार्ड इंस्ट्यूट क्या बोल दो इट्स डिफिकल्ट जो कि हम यूज भी करते हैं मतलब कि कॉमन ही आया गया सब डिफिकल्ट ही बोलते हैं बट कुछ लोग होते हैं वेरी हार्ड वेरी हार्ड बोलते हैं तो उसकी जगह आप वर्ड डिफिकल्ट यूज कर सकते हो सो इट वॉज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द न्यूज ऑफ इज एक्सीडेंट इट वॉज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट द न्यूज डोंट से दैट वॉट यू विल से इट वॉज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द न्यूज ऑफ वट एवर द इंसिडेंट द न्यूज ऑफ इज एक्सीडेंट ओके सो इसीलिए आपको यहाँ पे वेरी हार्ड की जगह क्या यूज करना वर्ड डिफिकल्ट क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी हार्ड टू फाइंड कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है या बहुत कम अमाउंट में या बहुत कम नंबर में होती है कभी कभी ही मुश्किल से किसी को मिल जाती है तो हम क्या बोलते हैं इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड बहुत मुश्किल है इसको ढूंढना सो so, आप क्या बोल सकते हो वहाँ पर वर्ड रेयर भाई हम पढ़ते हुए आ रहे हैं रेयर स्पीशीज वगैरह राइट कि मतलब बहुत कम मिलते हैं ये बहुत कम है इनकी आ, आ, स्पीशीज बची हुई तो इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं रेयर वहाँ पर बट येस यू कैन यूज इट एनी वेयर वेन यू वॉन्ट टू से समथिंग और समवन इज वेरी रेर या फिर वेरी हार्ड टू फाइंड तो कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है ढूंढ के भी बहुत मुश्किल से कभी मिल जाए तो अच्छी बात है तो वहाँ वर्ड यूज कर सकते हो रेयर सो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ रेयर डिसीज ही सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज विच इज हार्ड टू फाइंड ही सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज विच

नेक्स्ट इज वेरी हाई जब कोई चीज बहुत ऊपर ऊपर जा रही है मतलब ऊंची उड़ती हुई जा रही है या बहुत ऊपर है ठीक है हाँ, हवा बिल्कुल स्काई टचिंग बोलते हैं ना तो वहां पर हम वर्ड बोलते हैं सोरे जो बहुत ऊपर जाती जा रही है ठीक है तो वेरी हाई बोलने की जगह क्या यूज करो वर्ड सोरेग सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी हम क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे रहने का जो खर्चा है वो बढ़ता ही जा रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी इज वेरी हाई यही बोलते हैं क्या यूज करो उसकी जगह पे वर्ड सॉरिंग डन ऑल राइट नेक्स्ट इज बहुत बड़ा तो कभी भी हमें वेरी बिग वेरी ह्यूज बहुत ही बड़ा है जो वो बताना होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं कोलोसल क्लियर सो आई वॉज एबल टू सी द कोलोसल माउंटेन पीक क्लियरली की भाई तुम्हें दिख रहा है कि नहीं माउंटेन पीक माउंटेन पर्वत की चोटी जो होती है माउंटेन पीक वो दिख रही कि नहीं दिख रही एंड यू आर लाइक मॉन इट्स वेरी ह्यूज तो क्या बोलोगे इट्स कोलोसल इतना बड़ा है भाई कि वो किसी को भी दिख जाए नॉकिलस की भी जरूरत नहीं दूरबीन की भी जरूरत नहीं ठीक है सो आई वॉज एबल टू सी द कोलोसल माउंटेन पीक क्लियरली डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज हो वेरी एक्साइटिंग तो जब भी भी किसी चीज को देखकर आप बहुत खुश हो जाते हो लाइक ओ oh, वाह wow, मजा आ गया मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड यही बोलते हैं राइट right? yeah, या फिर दिस साउंड वेरी एक्साइटिंग डोंट यूज दैट वर्ड यूज द वर्ड एक्सेलरेटिंग या एक्सिलरेटेड जो भी आप बता रहे हो वेरी एक्साइटेड बता रहे हो वेरी एक्साइटिंग बता रहे हो डिपेंड्स तो जब भी आपको बताना है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फील कर रहे हो या इट साउंड वेरी एक्साइटिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड एक्सेलेटिंग फॉर एग्जाम्पल आपको लग बताना है कि आई गॉट अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज डोंट से दैट क्या बोलोगे आई गॉट एन एक्सिलरेटिंग न्यूज यानी वेरी एक्साइटिंग डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी हम्बल अगर कोई बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है बहुत हम्बल इंसान है तो हम क्या बोलते हैं इज वेरी हम्बल बट ये नहीं बोलना चाहिए हमें बोलना चाहिए वर्ड कर्टियस तो अगर कोई बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है बहुत नम्रता से बहुत प्यार से बात करता है कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि शो ऑफ या समथिंग ऐसे बहुत से लोग होते हैं राइट तो हम बोलते हैं ही इज वेरी हम्बल सो वी विल से ही इज

अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो कि वाह दिस साउंड इंटरेस्टिंग ओ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग तो वो ना बोल के क्या बोलोगे इट्स फैसिनेटिंग मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लग रही है आपको लगता है कि इसके बारे में और जानना चाहिए तो आप क्या बोलोगे वो चीज़ क्या है फैसिनेटिंग सो द मूवी वॉज फैसिनेटिंग जैसे आपको बोलना है किसी ने पूछा आपसे हाउ द मूवी एंड यू सेट द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग सो यू वु से मूवी वॉज फैसिनेटिंग मतलब अलग ही बहुत ही ज्यादा मजा आया सो यू कैन यूज द वर्ड फैसिनेटिंग डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी जॉली अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है मतलब अगर बहुत खुशी खुशी रहता है तो हम बोलते हैं इज अ जॉली पर्सन राइट अगर कोई बहुत ज्यादा खुश है लाइक जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है वो हमेशा ही खुश रहता है अब ये थोड़ा ऐसा एटीट्यूड हो जाता है जो कही न कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होता है बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हमेशा हर चीज़ में वो खुशी रहते कि हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा तो हम क्या बोलते हैं उनका कैसा एटीट्यूड है केयर फ्री एटीट्यूड है ठीक है तो जब भी आपको बोलना कि कोई कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुश रहता है ना कोई पर्सन मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है कुछ भी हो जाए वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा ही, ही ही ऐसे तो उसको क्या बोलोगे आप वो पर्सन है केयर फ्री सो आई एम अमेज टू सी हर केयर फ्री एटीट्यूड हम बोल रहे आई एम अमेज आई एम शॉक टू सी हर वेरी जॉली एटीट्यूड तो आप क्या बोल सकते हो केयर फ्री एटीट्यूड जिससे सामने लोग को पता चलेगा केयर फ्री मतलब कुछ ज्यादा ही खुश रहता है नेक्स्ट वन इज़ वेरी काइंड इफ समी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा काइंड बहुत ज़्यादा अच्छे से बात बात करते हैं ठीक है कोई काइंड होता है इट्स ओके बट समबडी इज़ लाइक वेरी काइंड जैसे वेरी हम्बल था तो आप क्या यूज़ कर सकते हो वर्ड कंसिडरेट सो डू नॉट यूज़ द वर्ड वेरी काइंड इंस्टेट आपको क्या यूज़ करना चाहिए वर्ड कंसिडरेट सो राहुल इज ऑलवेज कंसिडरेट टू ओल्ड

बहुत बड़ा तो हम बोल रहे थे कोलोसल बट अगर आपको वेरी लार्ज बताना भी है मतलब कोई बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी चीज है तो आप वर्ड ह्यूज भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेरी लार्ज सो द रोड वॉज ब्लॉक्ड बाय अ ह्यूज व्हीकल आपको बताना है कि भाई क्या हुआ रोड क्यों ब्लॉक है क्योंकि वहां पे वेरी लार्ज व्हीकल बहुत बड़ी गाड़ी है तो वेरी लार्ज नहीं बोलोगे यहाँ बोलोगे ह्यूज व्हीकल मतलब बहुत बड़ी क्लियर सो ह्यूज इज द वर्ड जो आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेरी लार्ज डन ऑल राइट Next is very lazy. अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आलसी होता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंडोलेंट सो इफ यू वॉन्ट टू टेल कि भाई कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आलसी है मतलब कुछ नहीं करता गुड फॉर नथिंग ठीक है मतलब क्या है इतना कोई आलसी होता है क्या तो आप वहाँ पर क्या बोलते हो ही इज़ वेरी लेजी जैसे ज़्यादातर तो पेरेंट्स यूज़ करते हैं लाइक सन इज़ वेरी लेजी सो डोंट यूज़ द वर्ड वेरी लेजी क्या यूज़ कर सकते हो वर्ड इंडोलेंट इन सो ही इज़ इंडोलेंट टू अनादर लेवल मतलब वो बहुत ज़्यादा लेजी है मतलब कोई अलग ही लेवल है उसका हर बात में बहुत ज्यादा आलसी रहता है या फिर बहुत ज्यादा आलस दिखाता है कोई पर्सन तो आप यूज कर सकते हो वर्ड इंडोलेंट क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी ग्रेट अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है मतलब बहुत उम्दा है तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ओ इट वॉज वेरी ग्रेट इट वॉज वेरी ग्रेट मूवी तो आप क्या यूज कर सकते हो अगर आपको वेरी ग्रेट वाली फीलिंग दिखानी है वर्ड

अगर कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है या किसी चीज़ से बहुत ज्यादा डर जाता है तो हम क्या बोलते हैं इज वेरी अफ्रेड ही इज़ अफ्रेड डरा हुआ इज वेरी अफ्रेड मतलब कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है तो आप क्या यूज कर सकते हो वर्ड टेरीफाइड ठीक है सो आई एडमिट दैट आई वॉज टेरेफाइड लाइक अगर मैं डरी हुई थी मुझे एडमिट करना है वेरी हाँ, अफ्रेड I, I I तो मैं क्या बोलूंगी आई एडमिट दैट आई वॉज टेरेफाइड सो टेरेफाइड इज द वर्ड जो आप यूज कर सकते हो वेरी अफ्रेड या वेरी स्कैड की जगह डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी एंग्री अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है मतलब बहुत 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 ज्यादा गुस्से में तो हम वर्ड यूज करते हैं उनके लिए फ्यूरियस ठीक है सो योर ब्रदर इज फ्यूरियस एज यू क्रैश हिज अ व्हीकल फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा कि भाई वड़ हा एंड यू आर लाइक कि मैंने अपने भाई की गाड़ी जो है वो ठोक दी टूट गई नॉल एंड पर्सन दर्सन बी लाइक कि सो so, इसके भाई क्या रिएक्शन था वेरी तो एंग्री मत बोलो वेरी एंग्री क्या बोलो इंस्टेट ही इज फ्यूरियस ही वॉज फ्यूरियस यानी वेरी एंग्री तो वेरी एंग्री की जगह क्या यूज कर सकते हो वर्ड फ्यूरियस टाइम ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी बैड अगर कोई चीज बहुत गंदी है Uh, तो आप क्या बोलते इट्स वेरी बैड राइट मतलब इस तरीके से बताते हो तो वेरी बैड मत बोलो क्या बोलो इंस्टेट वर्ड एट्रोशियस यानी कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं थी बहुत ही गंदी थी आपको अच्छा ही नहीं लगा मतलब क्या था द वेदर वॉज वेरी बैड तो ऐसे बोलने की जगह क्या बोलो द वेदर वॉज एट्रोशियस यानी कि चीज़ जो है वो बहुत ही खराब थी सो एट्रोशियस इज लाइक थोड़ा बहुत गंदा नहीं कुछ ज़्यादा ही गंदे लेवल का गंदा ठीक है <laughs> तो कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है कोई चीज़ वेरी बैड होती है यू कैन डेफिनेटली यूज़ द वर्ड एट्रोशियस डन ऑल राइट Next is a very busy. अगर कोई बहुत ज्यादा बिजी है ठीक है जैसे अगर कोई नॉर्मली बिजी बिजी होता है थोड़े बहुत काम से तो हम बोलते हैं आई एम बिजी ठीक है हाँ, busy, तो वो नॉर्मल चलता है बट अगर आपको ये बताना है कि आपको ज्यादा ही बिजी हो मतलब कोई टाइम ही नहीं है एक मिनट भी स्पेयर टाइम नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो ओवरलोडेड ठीक है यानी कुछ जरूरत से ज्यादा ही चीजें जैसे अगर हम आ, किसी भी चीज में जैसे कोई कैपेसिटी होती है सूटकेस वगैरह की या ब्रीफ की और उसमें हम जरूरत से ज्यादा चीजें डालते हैं तो क्या बोलते हैं इट्स ओवरलोडेड राइट मतलब बहुत ज्यादा ही भर गया है वैसे ही अगर आपको ये बताना है कि आप कुछ ज्यादा

नेक्स्ट इज़ अ वेरी काम मतलब कोई चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा uh, कैसे बोलें जैसे हम हाँ, पीसफुल होती है ठीक है बट अगर कोई चीज़ कुछ को ज़्यादा ही पीसफुल होती है मतलब बहुत अच्छा लगता है कभी ऐसे बीच साइड पर चला जाता है कोई या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी रेन इट्स रेनिंग एंड यू फील लाइक वेरी काम तो वर्ड यूज़ किया जाता है सीरी ठीक है 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 तो जैसे कि मतलब उसकी smile जो लगता बहुत ज़्यादा किया जाता फॉर लाइक like, अगर कोई रिवर um, वगैरह है इट वॉज सीरीन ठीक है ना इट वॉज सीरीन एक्सपीरियंस इट वॉज वेरी काम तो इस तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हो सीरीन डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी केयरफुल जब आपको बताना है किसी को बोलना है या आप खुद बताना चाहते हो कि भाई मैं कुछ भी करता हूँ ना आई एम वेरी केयरफुल या फिर आपको बोलना यू शुड बी वेरी केयरफुल तो वेरी केयरफुल में क्या यूज़ कर सकते हो आवर वर्ड राइटते हैं किलवेज बी कॉशियस बी अलर्ट बीवियस वर्ड क्या बोलता है वेरी केयरफुल अप्रोच तो ही टुक अ कॉशियस अप्रोच क्लियर तो वेरी केयरफुल को किससे हटा दोगे कॉशियस से डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी चार्प्ट अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो मतलब किसी चीज़ को देख यू आर लाइक मंत्र तो हम क्या यूज करते हैं वर्ड मैसमराइज ठीक है सो वेरी चार्ड यानी यू आर वेरी 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 टेकन बाय लाइक विद दैट थिंग या कोई भी चीज़ या कोई भी इंसिडेंट दैट मीन्स यू आर मेसमराइज ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई वॉज मैसमराइज बाय हर स्माइल i was very charmed by her smile i was very charmed by her blue eyes तो इस तरीके से आप क्या बोल रहे हो आप बहुत ज्यादा खुश थे आप बहुत ज्यादा यू you नो know, वो अपीलिंग हाँ, लगी आपको चीज तो आप क्या यूज करोगे i was mesmerized by her smile डन ऑलराइट नेक्स्ट इज वेरी क्लीन अगर कोई चीज बहुत साफ है ठीक है जैसे अगर आप बहुत अच्छे अच्छे होटल्स या रेस्टोरेंट्स में चले जाओ वहां पर मतलब ऐसा होता है कि 24/7 कुछ भी गंदा होता है जल्दी सफाई हो जाती है राइट तो अगर आप ऐसी कोई भी जगह पे जाते हो तो आप क्या बोलते हो इट्स वेरी क्लीन राइट ओ माय गॉड आई एम शॉक टू सी इट्स वेरी क्लीन तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो इट्स स्पॉटलेस यानी कि कोई चीज जहां पे कोई भी स्पॉट्स नहीं है मतलब क्या होगा साफ सुथरा होगा राइट यू कैन यूज द वर्ड स्पॉटलेस इन स्पॉटलेस स्टेट सो शी वॉज सरप्राइज टू सी द स्पॉटलेस किचन फॉर एग्जाम्पल योर मॉम वेंट लाइक समवेयर आउट दो दिन के लिए एंड यू गाइज देर योर फादर एंड यू एंड ऑब्वियसली जैसे मॉम रखती किचन वैसे हम नहीं रख पाते राइट सो योर मॉम वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक डर्टी या बट इट वॉज वेरी क्लीन चमक रहा था बिल्कुल मस्त इतना अच्छा किचन आपने साफ करके रखा थास किचन बिकॉज इट वॉज वेरी क्लीन डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी क्लेवर अगर कोई बहुत ज़्यादा um, समझदार या बहुत ज़्यादा चंट या बहुत चालाक होता है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं वर्ड ब्रिलियंट ये बताने के लिए कि बापरे इतना ज़्यादा समझदार इतना ज़्यादा क्लेवर सो वट सेंटेंस यू कैन यूज शी इज अ ब्रिलियंट राइटर शी इज़ अ वेरी क्लेवर राइटर ठीक है ऐसे बोलोगे बट इंस्टेड ऑफ वेरी क्लेवर क्या बोल सकते हो शी इज ब्रिलियंट आंसर ठीक है कुछ ज्यादा ही अच्छा कुछ राइट नेक्स्ट इज वेरी कोल्ड जैसे आप कभी कहीं गए ठीक है कोई भी जगह पर किसी ने कॉल पर पूछा हाउसर देयर the जहां पर भी आप रहते हो आप ये बोलते हो इट्स वेरी कोल्ड बहुत ज्यादा ठंड है राइट तो वेरी कोल्ड की जगह बोल सकते हो इट फ्रीजिंग यानी कि फ्रीजिंग का मतलब ही क्या होता है भाई जो जम रहा है अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर बर्फ जम गई है या समथिंग नहीं जब भी आपको ऐसे बताना है कि कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडी है वेरी कोल्ड तो आप बोल सकते हो फ्रीजिंग फॉर एग्जाम्पल इट इज फ्रीजिंग आउटसाइड यानी बाहर बहुत ज्यादा ठंड है सो इट इज फ्रीजिंग आउटसाइड क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी कलरफुल

प्लेस वॉज वाइबरेंट एंड फैसिनेटिंग हाउ वॉज द प्लेस इट वॉज कलरफुल बहुत सारे कलरफुल थेफुल इसकी क्या बोल दिया फैसिनेटिंग डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी कॉम्पिटिटिव आपने सुना होगा मतलब कभी किसी चीज में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है तो हम ये बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है भाई इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव राइट तो हम ये वर्ड तो सुनते ही हैं वेरी कॉम्पिटिटिव साथ ही साथ आपने कभी सुना होगा कट थ्रोट right? तो का मतलब ये होता है कुछ ज्यादा ही लेवल का मतलब नेक टू नेक कॉम्पिटिशन जो बोलते हैं ना तो वेरी वेरी हार्ड या वेरी कॉम्पिटिटिव के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं कट थ्रोट फॉर एग्जाम्पल ही है कट थ्रोट उसको किसके लिए प्रिपेयर करना पड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन था किसी का भी नहीं पता कोई भी जीत सकता है तो जब ऐसा होता है ना कि बहुत कोई में है, तो हम यूज करते हैं वेरी कन्फ्यूज तो जब भी, भी कोई ऐसी चीज होती है जिसको लेकर यू नो नॉर्मली जो कन्फ्यूजन होता है okay. जो आपको कुछ ज्यादा ही लेवल पे कन्फ्यूज you know, कर देती है एंड देन यूज द वेरी कंफ्यूज फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट टोल्ड समबडी ठीक है आपने कुछ एक्सप्लेन किया एंड द अदर पर्सन रिप्लाइड ऐसे जैसे कि आपको लगा कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था से so देखते कि आप बोलते क्या हो वॉट यू वुर्मली शी आज मी और शी इनक्वा वेरी कंफ्यूज टोन ठीक है ये आप नॉर्मली बोलते हो बट वॉट यू शुड यूज इज शी इंक्वायर्ड इन अर्प्लेक्सड

आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा न्यो पेपर एंड यू वर वेरी कंफ्यूज लाइक आपको समझ ही नहीं आया कि क्या था क्वेश्चन सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई आई व्हेन सॉ द क्वेश्चन आई वाज वेरी कन्फ्यूज या आई गॉट वेरी कन्फ्यूज इंस्टेड यू शुड से आई एम परप्लेक्स्ड या फिर आई वॉज द क्वेश्चन डिपेंडिंग आप कब की बात करो तो so, ओवरऑल इसकी क्या समरी है भाई कि जब भी वेरी कन्फ्यूज आपको बोलना है यूज क्या करना है वर्ड पर क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी स्लीपी एंड टायड मतलब कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा थक गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील लाइक कि आपने आप कोई लाइफ मतलब ऐसा होता है ना कि बिल्कुल जान ही नहीं बच्ची एंड यू रियली वॉन्ट टू स्लीप ना यू वॉन्ट टू गो टू द बेड एज सुन एज पॉसिबल तो ऐसी जब भी कोई कंडीशन आती है वैन यू वॉन्ट टू टेल समी अगर आई एम वेरी टायर्ड एंड वेरी स्लीपी तो ये पूरा बोलने की जगह सिर्फ एक वर्ड बोल दो दैट इज लिथार्जिक So the word lethargic, जो है, वो सिर्फ यह नहीं बताता कि आप बहुत थक गए हो बल्कि बिकॉज ऑफ दैट यू आर फीलिंग स्लीपी फॉर एग्जाम्पल आफ्टर यू केम बैक फ्रॉम योर स्कूल और फ्रम योर एग्जीबिशन सपोज ठीक है कोई एग्जीबिशन वगैरह हुआ या फिर कोई बहुत अच्छी मीटिंग वीटिंग थी कोई ऑफिस में आफ्टर यू रिटर्न बैक होम आपसे पूछा किसी ने हाउ इज़ द डे एंड हाउ इज एवरी थिंग गोइंग एंड यू वॉन्ट टू टेल द पर्सन कि आप बहुत थक गए हो और आपको बहुत नींद आ रही है तो आप जनरली यही बोलते हो सॉरी आई कॉन्ट टॉक राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी आई एम वेरी टायर्ड तो इंस्टेड ऑफ दैट क्या बोलोगे आप आई कॉन्ट टॉक टू यू राइट नाव बिकॉज आई एम लिफार्जिक यानी मैं बहुत थक गया हूँ उसकी वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है

नेक्स्ट इज वेरी लेजी अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आलसी है दैट्स डिफरेंट बट अगर कोई पर्सन है तो बहुत सुस्त होता है हम बोलते ना हिंदी में कि बहुत सुस्त इंसान है यानी हमेशा ही मतलब कोई भी चीज़ करनी होती तो ऐसा होता है कि नहीं मतलब नहीं है थका हुआ हूँ वो वाले टाइप को हम सुस्त बोलते हैं सो वेन यू वॉन्ट टू से दैट ऑब्वियसली इंग्लिश में तो यही बोलते हो ही इज़ वेरी लेजी यू आर वेरी लेजी गे हेव कम ऑन अप यू आर बिंग वेरी लेजी तो वेरी लेजी की जगह क्या वर्ड यूज़ करोगे स्लगिश क्लियर सो दिस वेदर Makes him For example, जब भी समर भी मतलब आफ्टर जो होते हैं भी भी गर्मी का मौसम होता है तो उस वक्त जब भी, भी दिन का टाइम होता है एवरीबडी uh, you know, फील्स तो uh, बोल सकते हो कि ड्यूरिंग समर्स आई गेट स्लागेशी स्लागेश फील करता हूँ सो लाइक दिस यू कैन यूज द वर्डेशजी डैन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी सीरियस अगर कोई भी चीज होती है जिसके बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा सीरियस रिज़ल्ट्स हो सकते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना मतलब कि जैसे आपने किसी ने कोई भी एक डिसीजन लिया समबडी टुक अ डिसीजन टू क्विट अ जॉब विदाउट even फाइंडिंग अ न्यू जॉब जैसे किसी ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी ये भी ना सोचकर कि उसको पहले कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए थी उसके पहले उसने अपनी जो करेंट जॉब थी वो क्विट कर दी सो so ऑब्वियसली आप अगर सामने वाले को बताना चाहोगे कि भाई तुम्हारा जो ये डिसीजन है

योर डिसीजन हैज ग्रेट ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि तुम्हारे डिसीजन के जो आफ्टर इफेक्ट होंगे जो भी रिजल्ट होंगे दे वुड बी वेरी सीरियस तो इस तरीके से आप वर्ड यूज करते हो ग्रेव डन नेक्स्ट टर्म इज वेरी शार्प देखो नाउ वेन वी आर यूजिंग दिस टर्म कीन मतलब जो इसका दिया हुआ है सब्सिट्यूट वर्ड यहाँ हम कीन को और भी तरीक़ों से यूज करते हैं बट है यूज दिस वर्ड कीन फॉर स्पेसिफिकली द एज और पॉइंट ऑफ अ ब्लेड यानी कभी भी कोई चाकू है जैसे कोई नाइफ है ठीक है उसका जो ब्लेड होता है इफ़ इट्स वेरी शार्प बहुत ज़्यादा नुकीला है इट कैन लाइक कट एनी थिंग बहुत ज़्यादा ब्लंट क्लट दे सकता है तो तब हम यूज करते हैं वर्ड वेरी शार्प राइट द ब्लेड वॉज वेरी शार्प द नाइफ वॉज वेरी शार्प तो उस जगह पे आप कीन वर्ड भी यूज कर सकते हो तो अभी हम स्पेसिफिकली कीन को कहाँ पे देख रहे हैं जब हम किसी भी नाइफ या किसी भी टूल के ब्लेड के शार्प पॉइंट की बात कर करें डा ऑल राइट सो द कीन ब्लेड ऑफ द नाइफ मेड इट ईजी टू कट द वेजिटेबल्स सो वेन यू वॉन्ट टू टेल कि भाई ये जो ब्लेड था नाइफ का वो बहुत अच्छा था बहुत नकीला था तो इट वॉज ईजी टू कट एनीथिंग तो हम क्या बोलते हैं इट वॉज वेरी शार्प सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी शार्प हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड कीन सो द कीन ब्लेड ऑफ द नाइफ मेर इजी टू कट द वेजिटेबल्स सो कीन वर्ड अगेन आई एम टेलिंग बहुत सारी जगहों पर यूज करते हैं जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा ईगर होता है बहुत ज्यादा यू you नो know, जानने की इच्छा रखता है कोई बहुत ज्यादा क्यूरियस है तो भी हम बोलते हैं कि इज वेरी कीन ठीक है तो कीन वर्ड वहाँ पर भी यूज कर लेते हैं सो राइट नाउ वी आर ओनली कंसिडरिंग कि भाई ब्लेड अगर बहुत ज्यादा शार्प हो नुकीला हो सो वी कैन यूज द वर्ड कीन ऑल्सो टन ऑल राइट नेक्स्ट इज़ वेरी शाइनी अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमकती हुई है ठीक है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं वर्ड ग्लीमिंग फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई घर वगैरह पेंट कराया वाइट वॉश कराया है तो जब पूरा वाइट वाइट हो जाता है घर तो इट काइंड ऑफ यू नो गिव दैट शाइन बहुत अच्छा एक शाइनी इफेक्ट आता है एंड वी काइंड कैन सी कि यू नो बहुत ज्यादा लाइट टाइप की फील हो रही है और वो बहुत ज़्यादा रोशनी लगती है तो जब भी, भी ऐसी कोई चीज हो जिसे हम वेरी शाइनी बोलना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड ग्लीमिंग इनस्टिट फॉर एग्जाम्पल द हाउस वॉज ग्लीमिंग विथ फ्रेश वाइट पेंट नॉर्मली हम क्या बोलेंगे कि द हाउस वॉज शाइनिंग ठीक है ना या फिर द द हाउस वेरी शाइनी बिकॉज ऑफ वाइट पेंट बट हम वेरी शाइनी की जगह क्या यूज कर सकते हैं वर्ड ग्लीमिंग द हाउस वॉज ग्लीमिंग विथ फ्रेश वाइट पेंट डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट अगर किसी चीज को बहुत ही यू you नो know, कम समय में बताना है या बहुत छोटी बहुत को इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम देखते हैं ना कि आंसर इन ब्रीफ लिखा होता है हमारे क्वेश्चन में इसका मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल बहुत कम इन्फॉर्मेशन में या बहुत कम शब्दों में बताना है भाई जो भी आपको बताना है सो so, यहाँ पर जैसे आपको वेरी शॉर्ट बोलते हो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समी वॉन्ट्स टू आस्क यू कि गिव uh, डिटेल्स Uh, या फिर आपको ऐसे कोई बोले कि राइट द डिटेल्स इन अ वेरी शॉर्ट मैनर या टेल द इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट तो वेरी शॉर्ट का जब आपको यूज करना है जब आपको कोई बोलना चाहता है कि बहुत कम शब्दों में बताओ तब आप यूज कर सकते हो वर्ड ब्रीफ क्लियर सो ओनली अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन इन द आर्टिकल वट यू रेड यू नो अबाउट समथिंग समथिंग जो भी कोई टॉपिक चल रहा है वट वॉज टोल्ड अबाउट दिस वट वॉज गिवन अबाउट दिस थिंग In the article. तो आप क्या बोलोगे टॉपिकॉर्ट right? तो की जगह क्या यूज कर सकते हो ब्रीफ क्लियर तो कम शब्दों में जब कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है या कुछ भी बताना है तो हम वेरी शॉर्ट वहां पर यूज करते हैं तो आप वर्ड ब्रीफ यूज कर सकते हो डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग अगर कोई जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि फिजिकली नहीं बोल रहे हैं वेरी स्ट्रोंग इन थॉट्स अगर कोई बहुत ज्यादा अटल रहता है अपनी बातों पे, बहुत ज्यादा यू you नो know, कहते हैं ना कि एक जिद्दी है अपनी बातों से नहीं हटता बस बोल दिया तो बोल दिया भैया यही होगा तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं स्टाबन ठीक है stubborn, स्टबन इज़ द वर्ड जो कि हिंदी में किसी को भी जिद्दी बोलते हैं अगर हम कि तो बहुत ज़िद्दी है ये तो नहीं अपनी बातों से पीछे हटने वाला आप चेंज नहीं होगा इसका डिसीजन तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड स्टबन बट ऑल्सो अगर आपको ये बताना चाहता है कि कोई पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रांग है अपने थाट्स को लेकर अपने डिसीजन को लेकर वो नहीं हटने वाला भाई उसने जो भी कह दिया तो वहाँ पर एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हो दैट इज़ अन अन ईल्डिंग मतलब द पर्सन इज नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी बडी एंड वट एवर ही हैज डिसाइडेड ही इज गोइंग टू फॉलो दैट तो अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अपने थॉट्स को लेकर वो अपनी बातों से नहीं हटेगा जो उसने ठान लिया वो ठान लिया इसका मतलब वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो वर्ड अन ईल्डिंग फॉर एग्जाम्पल एवरी वन अग्रीज दैट ही इज अनइल्डिंग पर्सन एवरी वन वॉज वेरी सैड या वेरी एंग्री फ्यूरियस एवरी वन गॉट फ्यूरियस टू सी दैट वॉज अनु लिसन टू एनी एल्स और वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता था और अपनी बात भी अड़ गया तो अड़ गया सो एवरीबडी गॉट फ्यूरियस यानी सब लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए डांस नेक्स्ट वर्ड इज अ वेरी शोर

नॉर बनूंगा मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा एंड एवरीथिंग समबडी आज यू कि भाई क्या चांसेस हैं दैट यू गो नोट सक्सीड नॉट फेल सो व्हाट यू विल आंसर इज आई एम वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल आई एम वेरी श्योर अबाउट माई डिसीजन तो वेरी श्योर की जगह आप क्या यूज कर सकते हो सर्टेन आई एम सर्टेन अबाउट माई डिसीजन डन ऑल नेक्स्ट इज वेरी टैलेंटेड अगर कोई बहुत ज्यादा किसी भी फील्ड में टैलेंटेड होता है तो हम क्या बोलते हैं भाई ये तो बहुत टैलेंटेड है भाई तो उनके लिए एक बहुत कॉमन सा वर्ड है जो बहुत से लोग यूज करते हैं दैट इज गिफ्टेड तो हम क्या बोलते हैं कि दिस पर्सन इज अ गिफ्टेड चाइल्ड या ही इज अ गिफ्टेड सिंगर इसका मतलब ही इज अ वेरी टैलेंटेड सिंगर तो कोई भी ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है अपनी आ, फील्ड में तो हम यही बोलते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वेरी टैलेंटेड

फ्लोर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं तो इट्स वेरी टॉल राइट तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं टावरिंग सो आई लुक बड़ी बिल्डिंग है सो विल बी लाइक आई आई लुकिंग एट एट और स्टेयरिंग वेरी टॉल बिल्डिंग्स तो वेरी टॉल की जगह क्या यूज कर सकते हो टावरिंग इसका मतलब ये होता है कि भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग थी सो वेरी टॉल की जगह आप यूज करोगे टावरिंग ऑब्वियसली डू नॉट यूज फॉर दिस फॉर लाइक अ गर्ल या बॉय की भाई ही वॉज वेरी टॉल तो ही इज टावरिंग नहीं ये सब जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गई बहुत बड़ा कोई भी ऐसा आपको दिख गया यू you नो know, um, कोई भी सो यू कैन यूज वर्ड टावरिंग नेक्स्ट इज वेरी टेस्टी ऑब्वियसली जब भी, भी हम कोई भी खाना खाते हैं हमसे कोई भी पूछता है कैसा बना है तो हम ये बोलते हैं बहुत अच्छा है मतलब वेरी टेस्टी या फिर आप कभी कोई रेस्टोरेंट जाते हो इफ़ समी आज पे योर फीडबैक वहाँ खाना कैसा था वहाँ पे डिजर्ट कैसे थे लाइक दे वो वेरी टेस्टी तो वेरी टेस्टी हम यूज करते हैं हर जगह डोंट गो फॉर दीज वर्ड्स क्या यूज़ करना है वेरी टेस्टी की जगह आपको डिलिशियस जो कि हर किसी को पता है बट पता नहीं क्यों लोग यूज ही नहीं करते दे ओनली गेट यू नो स्टक टू दिस वेरी और जो भी वर्ड है सो so, वेरी टेस्टी की जगह क्या यूज़ कर सकते हो वर्ड डिलिशियस सो यू विल बी लाइक द फूड वॉज अ डिलिशियस यानी आपको बोलना है द फूड वॉज वेरी टेस्टी तो क्या बोलोगे द फूड वॉज

डोट नो वाई वी गो फॉर वेरी वैल्यूएबल इंस्टेंट हम प्रेस वर्ड यूज ही नहीं करते बट यू शुड यूज दिस सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है जैसे आपको कोई बर्थडे पार्टी थ्रो वगैरह की किसी ने आपके लिए गिफ्ट सबने बहुत सारे गिफ्ट दिए ठीक है बट योर बेस्ट फ्रेंड या मॉम गेव यू अ गिफ्ट जो की यू uh, नो you know, आपकी मॉम को लग रहा होगा पता नहीं कैसा लगा एंड ऑल बट यू नो दैट दैट्स दी वेरी वैल्युएबल गिफ्ट तो आप क्या बोल सकते हो योर गिफ्ट इज प्रेश यानी योर गिफ्ट इज वेरी वैल्यूएबल टू मी दाइट नेक्स्ट इज़ वेरी वीक अगर कोई बहुत ज़्यादा यू नो पतला हो गया है या बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है कमज़ोर दिख रहा है दुर्बल दिख रहा है तो हम क्या बोलते हैं यू लुक वेरी वीक

नेक्स्ट इज़ वेरी लिमिटेड अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड है जैसे फॉर एक्जाम्पल एक हम चीज़ बात करें हम ये टर्म ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं इन्फाइनाइट बोलते हैं यानी कि अंगीनत यानी जिसका कोई काउंट ही नहीं है तो इसी को अगर हमें बोलना है कि कोई चीज इनफाइनाइट नहीं है तो वो क्या होगी वो लिमिटेड होगी तो हम बोलेंगे फाइनाइट डन तो इसी से तो आता है फाइनाइट सो वेन एगो यू वॉन्ट टू टेल दैट समथिंग इज वेरी लिमिटेड बहुत ही मतलब एक लिमिटेड अमाउंट है आपको पता है इतना ही नंबर है देन यू कैन यूज द वर्ड फाइनाइट इंस्टेड ऑफ वेरी लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड यही बोलते हैं द फ्यूल रिसोर्स दर्ल्ड रिसोर्सेज जो भी हैं भाई सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड है ऐसा नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है जो हम वेस्ट करे जा रहे हैं सो वेन यू वॉन्ट टू से वेरी लिमिटेड आप वहाँ पे लिख दो नेक्स्ट इज वेरी स्मॉल जब कोई चीज बहुत छोटू सी होती है तो हम वेरी स्मॉल ही यूज करते हैं बट उसके लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड है दैट इज

लार्ज मतलब अगर कोई चीज जो है या किसी की वजह से बहुत बड़ा कुछ हो गया नुकसान हो गया बहुत बड़ा फायदा हो गया वो एक्सटेंट की बात हो रही ठीक है वेरी लार्ज मतलब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग उसकी बात नहीं हो रही वेरी लार्ज मतलब कुछ ज्यादा वो नहीं मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा किसी चीज़ की वजह से कोई डैमेज हो गया या बहुत ज्यादा फायदा हो गया तो वो जो एक्सटेंट है ना उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड एक्सटेंसिव क्लियर सो फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना है कि भाई उस बिल्डिंग के घर पर फायर या आग की वजह से बहुत बहुत ज्यादा डैमेज हो गया तो हम क्या बोलते हैं इट वेरी लार्ज डैमेज तो वो मत बोलो क्या बोलो इंस्टेड एक्सटेंसिव सो द सेंटेंस वुड बी द फायर कॉज एक्सटेंसिव डैमेज यानी कि जहां पे भी आग लगी थी जो भी जगह थी वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया सो यू कैन यूज द वर्ड एक्सटेंसिव डन ऑल नेक्स्ट इज वेरी हंग्री अगेन ये वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा भूख लगती है हमको तो हम क्या बोलते हैं आई एम वेरी हंग्री जो कि हर कोई यही बोलता है बट वी हैव अ वेरी गुड वर्ड फॉर इट दैट इज स्टाविंग अगर आपको बहुत भूख लग रही है मतलब कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है कंट्रोल ही नहीं हो रहा कुछ भी मिल जाए खाने को मैं खा जाऊंगा इस तरीके की जो कंडीशन है तब हम बोलते हैं दैट आई एम स्टाविंग डू नॉट यूज द वर्ड वेरी हंग्री फॉर एग्जाम्पल आई वुड ईट एनीथिंग नाउ आई एम स्टाविंग कैसे किसी ने पूछा वट वुड यू लाइक टू हैव क्या बना दो बता बताओ। यू आर लाइक मुझे बहुत भूख लग रही है एम वेरी हंग्री कुछ भी दे दो ऐसा बोलते हो सो डोंट से आई एम वेरी हंग्री क्या बोल दो इंस्टेट आई एम स्टाविंग डन ऑल राइट नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई भी जैसे स्टेप या कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यानी उसकी वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं तो हम क्या बोलते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस मैटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस सिचुएशन तो वेरी इंपॉर्टेंट की जगह आप यूज़ कर सकते हो क्रूशियल ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि आपको किसी आपके माम का कॉल आया ठीक है वॉट हैपन हाउ योर हाउ इज़ योर ट्रेनिंग गोइंग ऑन बिकॉज ज़्यादातर जॉब्स में ट्रेनिंग वगैरह मिलती है ठीक है सो यू आर लाइक

मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा सस्ती है बहुत ही ज्यादा ठीक है तब हम क्या बोलते हैं इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव या इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव ठीक है yeah, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं चीप नाउ वेन हियर द वर्ड की द प्रोडक्ट्स वर चीप द मार्केट हेट चीप वॉचिज तो चीप का मतलब वहां क्या होता है मतलब बहुत ही सस्ती ना कि बराबर पैसे चार्ज कर रहे हैं सो दैट टाइम वी कैन यूज द वर्ड चीप इंस्टूड ऑफ इट वॉज वेरी इनएक्सपेंसिव क्लियर सो द वॉचिज वॉज या द वॉच वर हो जाएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल द वॉचिज वर चीप इन द मार्केट तो जितनी भी वॉचेस थी वहां पे जो घड़ी मिल रही थी वर वेरी चीप यानी बहुत ही कम प्राइस था उनका यू कैन यूज द वर्ड चीप देयर डन तो चीप खुद ही बताता है कि चीज कुछ ज्यादा ही सस्ती थी क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी लाउड जैसे अगर कोई भी साउंड है या कोई भी शोर वगैरह हो गया जो कि ऐसा है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि बाप रे मतलब बहरे हो जाएंगे इतना ज़्यादा जो साउंड होता है हाई साउंड तो हम क्या बोलते हैं द म्यूजिक वॉज वेरी लाउड द प्लेस वॉज वेरी लाउड यानी कि आपको बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा था जिसकी वजह से यू कुड नॉट फील कंफर्टेबल तो तब हम वर्ड यूज कर सकते हैं डेफनिंग टू टेल समथिंग वॉज वेरी लाउड फॉर एग्जाम्पल द नॉइज ऑफ द इंजन वॉज डेफनिंग जैसे आप कहीं से जा रहे थे एंड यू वर लाइक काइंड ऑफ आपने uh,

बट कोई भी स्ट्रांग स्मेल जो होती है वो ज्यादातर अनप्लेजेंट ही होती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी भी पिकल या अचार का डब्बा जो होता है पिकल बोलते हैं इंग्लिश में उसका कभी भी डब्बा ओपन करते हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है राइट right? कुछ पिकल्स की सो दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड पंजेंट इंस्टेड ऑफ इट्स अ वेरी स्ट्रांग स्मेल सिमिलरली एक जो चीज होती है आई गेस जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को कभी ना कभी एक्सपीरियंस करने को मिलती है वो क्या होती है वेन एवर यू आर देयर लाइक इन योर क्लासरूम या आपके स्कूल में जो केमिस्ट्री लैब है वहां पर इलेवंथ या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो हैं इफ परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट जिसमें सल्फर गैस टू एस का यूज हो रहा है so you kind of, if you have experienced, आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि उसकी बहुत गंदी स्मेल होती है like तो, like तो तब आप यूज करो हो, अगर वर्ड वेरी स्ट्रोंग स्मेल उसकी जगह डायरेक्ट बोल दो पंजेंट क्लियर सो द पंजेंट स्मेल ऑफ सल्फर फिल द एयर ऑफ द केमिस्ट्री लैब कि भाई जो सल्फर की स्मेल थी या एच टूएस की जो भी स्मेल थी इट वॉज सो स्ट्रांग इट वॉज वेरी स्ट्रांग तो उस जगह पर यूज कर लिया वर्ड पंजेट दिल द एयर ऑफ द केमिस्ट्री लैब या एज सुन एज आई ओपन दिकल जार इट द स्मेल वॉज पंज क्लियर या आई कुड फील द

ऑल्सो अगर आप यू you नो know, पूरी तरीके से भीग चुके हो आपकी अगर पर्सनली बात करें पर्सन की तो अगर आप बहुत ज्यादा भीग गए तो यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड ड्रेंज ठीक है बट यहां पर बात हो रही है कोई भी चीज हो या कोई पर्सन हो अगर बहुत ज्यादा गीला हो गया है तो हम बोलते हैं ना आई गॉट वेरी वेट इन द रेन यादर थिंग्स है वेरी वेट की जगह आप यूज कर सकते हो वर्ड सोप्ड सो आई गॉट सोप्ड इन द रेन एज आई गॉट टू कैरी द अम्रेला तो अगर आप बहुत ज्यादा भीग गए कंप्लीटली भीग ड्रेंच ठीक है तो अगर आपको बताना है सामने वाले को कि आई एम वेरी वेट बिकॉज आई गॉट द अम्ब्रेला तो मैं बारिश में बहुत ज्यादा भीग गया हूँ क्यों क्योंकि मैं अम्ब्रेला ले जाना भूल गया सो यू कैन यूज वेरी वेट की जगह आई गॉट सोग्ड इन द रेन डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी टायर्ड अगर आप बहुत थक गए देखो वेरी टायर्ड वेरी स्लीपी लेथार्जिक बता चुके हैं ठीक है ना तो, तो बहुत सारे टर्म्स हम देख चुके हैं एक और टर्म है है जो वेरी की बात करता है, that is exhausted. So if you are like, पूरी तरीके से आप थक गए आप एनर्जी नहीं बची है बैटरी बिल्कुल गई ठीक है ना बिल्कुल रिचार्ज नहीं हो तो तब क्या आप बोल सकते हो आप आई एम एग्जॉस्टेड या मैं थक चुका हूँ या फिर आप किसी चीज से भी बहुत ज्यादा ऊब चुके हो बहुत थक चुके हो आप यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग तब भी आप यूज कर सकते हो वर्ड एग्जॉस्टेड सो इफ यू आर वेरी टायर्ड गो फॉर द वर्ड एग्जॉस्टेड इफ यू आर वेरी टायर्ड ऑफ समथिंग तब भी यूज कर सकते हो एग्जॉस्टेड फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द मैच आई वॉज सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड नो लॉन्गर वॉक इफ मतलब आई एबल टू वॉक सो बी लाइक आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर द मैच मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ इसलिए आई कै नॉट वॉक मैच डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी अगली अब वेरी अगली का मतलब क्या है यहाँ पर अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है जैसे कुछ लोग होते हैं अगर वो कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसेक्ट को देख लेते हैं जो बहुत क्रीपी सा होता है जैसे डिजर्ट देख लेते हैं स्नेक्स देख लेते हैं तो फील कि वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है वेरी अगली उस तरीके का वेरी अगली की बात हो रही है सो यू कैन यूज़ द टर्म हीडियस क्लियर फॉर एग्जाम्पल

इफ़ यू आर लाइक बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो बहुत ज्यादा सॉरी हो तो आप ऐसे बोलोगे आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस इस तरीके से बोलते हैं इससे अच्छा क्या बोलो आई एम अपोलोजेटिक यानी मुझे बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा है आई एम वेरी वेरी सॉरी तब आप यूज़ कर सकते हो आई अपोलोजाइज आई एम अपोलोजेटिक सो आई अपोलोजेटिक अबाउट फॉर गैनिंग माई फ्रेंड्स बर्थ डे आई गॉट माई बेस्ट फ्रेंड्स बर्थ डे दैट्स लाइक अ क्राइम ओनली ठीक है तो तब आप क्या बोलना चाहते हो आई एम वेरी सॉरी आई फेल्ट वेरी सॉरी फॉर फो गैनिंग योर बर्थ डेज यू कैन बी लाइक आई feel i feel apologetic yeah i am apologetic done all right नेक्स्ट इज वेरी स्पेशल अगर कोई चीज जो है वो बहुत ही अलग हो बहुत ज्यादा स्पेशल हो तब आप क्या बोल सकते हो एक्सेप्शनल ठीक है सो so, यहाँ पर ये है कि आ, कुछ बहुत ज्यादा अलग टाइप की बात हो रही है वेरी स्पेशल मतलब ये नहीं है सिर्फ कि इट्स वेरी डियर टू यू इट मीन्स कि अगर कोई चीज बहुत अलग है वो नॉर्मली नहीं देखी जाती तब हम बोलते हैं एक्सेप्शनल फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं गए आपने कोई एक स्टूडेंट्स का लॉट देखा या फिर आप किसी बच्चे से मिले या कोई भी टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिले एंड यू सो कि कुछ तो अलग बात है मतलब ऐसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता सो दैट वुड बी वेरी स्पेशल तब आप हाँ यूज करोगे एक्सेप्शनल फॉर एग्जाम्पल एवीसी स्कूल हैज एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स एनी स्कूल ठीक है ए बी सी लेरिया है ऐसी हाइपोथेटिकल कि ए बी सी स्कूल के कैसे थे भाई एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स थे यानी कि बहुत स्पेशल अलग ही बच्चे थे अलग ही टैलेंटेड बच्चे थे जो हर कोई नहीं होता ऐसा सो so, यहां पे आप यूज कर लोगे वर्ड एक्सेप्शनल डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी अनहैप्पी इफ यू आर वेरी सैड यू आर वेरी अनहैप्पी तब आप यूज कर सकते हो वर्ड मिसरेबल तो जब छोटी मोटी बात है बहुत ही मतलब ऐसी बस थोड़े उदास हो तब मिसरेबल नहीं यूज कर सकते मिसरेबल बताता ही एरिया है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो सो इफ यू वॉन्ट से वेरी अनहैप्पी यू कैन गो फॉर द वर्ड मिसरेबल द पीपल इन द स्लम एरिया लुकड मिसरेबल सो जितने भी लोग थे वहां स्लम एरिया में दे वेरी अनहैप्पी तो वो कैसे थे मिसरेबल थे डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी अपसेट इफ यू आर वेरी सैड विद समथिंग इफ यू आर वेरी अपसेड आप किसी चीज से बहुत ज्यादा दुखी हो बहुत ज्यादा नाराज हो तब आप यूज कर सकते हो वर्ड डिस्ट्रॉड फॉर एग्जाम्पल इवन आफ्टर अ मंथ ऑफ आर एक्सीडेंट शी रिमेंड डिस्ट्रॉड भाई एक महीना हो गया उसके एक्सीडेंट को बट देन टू वो बहुत अपसेट है बहुत सैड है सो शी रिमेंड डिस्ट्रॉड यहाँ शी रिमेंड वेरी अपसेड तो आप यहाँ यूज कर सकते हो वर्ड डिस्ट्रॉड डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी विकेड अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा ही चालाक है नेगेटिव सेंस में ठीक है कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलता है तो तब हम बोल सकते हैं वो क्या है विलेनस है यानी उसका जो सोच है इज़ वेरी विकेड वो बहुत ज़्यादा चंट और चालाक है या फिर बहुत नेगेटिव यू नो माइंड सेट चलता है दैट टाइम यू कैन यूज़ द वर्ड फॉर एग्जाम्पल आई वॉक टू सी हिजनज साइ

For his wise, या बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा समझदारी वाला दिया उसने, तो उसके लिए आप क्या word, so Then, right. आप क्या कर सकते हो अगर टेंशन में हो बहुत ज्यादा ठीक है यू आर नॉर्मली आप टेंशन में हो, दैट्स वरीड बट इफ यू आर वेरी वरीड तो आप एक वर्ड यूज करते हो एंशियस राइट एंशियस ऑलमोस्ट

नेक्स्ट इज वेरी डिफरेंट अगर कोई चीज है जो बहुत डिस्टेंट है यानी कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग है बहुत ज्यादा डिफरेंस है किसी चीज में जैसे आपको किसी ने कोई सजेशन दिया एक पार्टी ने और दूसरी पार्टी ने दूसरा सजेशन दिया या आपकी मॉम ने एक सजेशन दिया आपके फादर ने एक सजेशन दिया और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ऑपोजि है तब हम यूज करते हैं कि भाई दे बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तब आप यूज कर सकते हो डाइवर्स क्लियर फॉर एग्जाम्पल

रोज होती हैं या बहुत ही ज्यादा यू नो कोई भी चीज़ होने लगती है तो हम क्या बोलते हैं वेरी ऑफन मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है ये सब तब आप यूज कर सकते हो वर्ड फ्रीक्वेंटली या फ्रीक्वेंट क्लियर सो आई मीट हर वेरी ऑफन अगर किसी ने पूछा कि यू गाइज मेट येस्टडे ओनली एंड देन यू वी लाइक या वी मीट वेरी ऑफन यानी हम बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं तो तब आप क्या यूज कर सकते हो वी मीट फ्रीक्वेंटली यानी बहुत ज़्यादा वेरी ऑफन डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी क्विक अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी हो गई या हो रही है तो हम क्या बोलते हैं इट वॉज़ वेरी क्विक इट वॉज़ वेरी क्विक डिसीजन तब आप बोल सकते हो रैपिड वर्ड्स यू कैन यूज़ रैपिड इंस्टेड ऑफ वेरी क्विक फॉर एग्जाम्पल ही मेड अ रैपिड प्रोग्रेस इन हिज करियर या फिर ही मेड अ वेरी क्विक प्रोग्रेस इन हिज करियर ऐसे ही बोलते हैं बहुत जल्द ही यू नो सक्सेस हो सक्सेसफुल हो गया वो अपने करियर में सो यू कैन बी लाइक कि उसकी प्रोग्रेस वेरी क्विक uh, की जगह रैपिड सो इट कुड बी ही मेड अ रैपिड प्रोग्रेस इन हिज करियर तो रैपिड मतलब वेरी क्विक डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी क्वाइट अगर कोई बहुत ज्यादा शांत है माहौल हो या कोई पर्सन हो कुछ भी हो तो हम बोलते हैं ना कि वेरी क्वाइट या द इन्वायरमेंट इज़ वेरी क्वाइट तो इस तरीके से आप वहाँ यूज कर सकते हो सीधे सीधे वर्ड साइलेंट साइलेंट सभी को पता है बट समवेयर वी काइंड ऑफ यूज़ वेरी क्वाइट मोर ऑफन बट वी शुड यूज साइलेंट सो एवरी वन वॉज साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम हम क्या बोलेंगे एवरी वन वॉज वेरी क्वाइट बट क्या बोलना है आपको एवरी वन वॉज साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम डन ऑल राइट नेक्स्ट इज द वेरी रूमी अगर कोई भी जगह है कोई भी बिल्डिंग है फ्लैट है या कोई रूम है जहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस होती है तो हम क्या बोलते इट्स वेरी रूमी यानी बहुत ज़्यादा जगह है या इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस ठीक है तो तब हम वर्ड यूज करते हैं स्पेशियस फॉर एग्जाम्पल द फ्लैट वॉज स्पेशियस यानी फ्लैट में बहुत ज़्यादा जगह थी द फ्लैट वॉज वेरी रूमी उस जगह यूज़ कर सकते हो द फ्लैट वॉज स्पेशियस डन ऑल राइट नेक्स्ट इज व वेरी सैड इफ समी इज लाइक वेरी वेरी सैड बहुत ज़्यादा दुखी है यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड सॉरोफुल सोरो का मतलब ये होता है कि भाई दुखी होना ठीक है कोई दुख और सोरोफुल है मतलब दुख से पूरा भरी भरा हुआ बिल्कुल परिपूर्ण तब हम यूज कर सकते हैं वेरी सैड के लिए वर्ड सॉरोफुल फॉर एग्जाम्पल आई वुड नॉट टेल द सोरोफुल न्यूज़ टू माई फैमिली

अगर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है या बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा चुप हो जाता है उसकी बोल नहीं पाता है अनकम्फर्टेबल फील करता है तो हम क्या बोलते हैं इज़ वेरी शाई मतलब कुछ ज़्यादा ही शर्म आती है इसको बहुत ज़्यादा शाए है तब हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड टिमिट फॉर एग्जाम्पल यू मेड योर फ्रेंड हु इज़ लाइक व वेरी कॉन्फिडेंट नाउ बट जब वो स्कूल में थी दैट टाइम शी वॉज वेरी शाए तो आप क्या यूज़ कर सकते हो वर्ड टिमेड एंड यू कैन लाइक शी वॉज टिमेड इन अर स्कूल बट नाउ शी इज सो कॉन्फिडेंट तो यू कैन बी लाइक वेरी शाए बोलना चाह रहे थे आप She was very shy during her school days. तब आप कर सकते हो, All right. Next is very conventional. अगर कोई बहुत ज़्यादा पुरानी सोच रखता है, या you know, ऐसे हैं कि ये ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए तो कुछ लोग होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए उनके हो गए हमारे, सर्टेन लिमिटेड kind of उनकी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर बहुत कन्वेंशनल थाट्स होते हैं सो इफ समबड़ी इज लाइक वेरी कन्वेंशनल कुछ ज्यादा ही पुरातन बनती है देन वी कैन यूज द वर्ड कंजर्वेटिव एट दिस प्लेस फॉर एग्जाम्पल हर ग्रैंड मदर इज कंजर्वेटिव इन द वे ही टॉक्स दो ग्रैंड मदर वुड बिकम शी यानी कि जिस तरीके से उसकी दादी या ग्रैंड नानी जो है ग्रैंड मदर जो है जिस तरीके से बात करती हैं साउंड यही करता है कि शी इज़ वेरी कन्वेंशनल यानी कुछ पुरानी सोच है उनकी तो आप क्या यूज़ कर रहे हो वर्ड कंजर्वेटिव डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी डिप्रेस्ड इफ सम्बड़ी इज लाइक बहुत ज्यादा दुखी वेरी डिप्रेस्ड बोल दिया है तो तब हम यूज कर सकते हैं वर्ड डिस्पॉन्डेंड फॉर एग्जाम्पल आफ्टर शी गॉट रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू शी ग्रू मोर एंड मोर डिस्पॉन्डेड जैसे भाई उसके इंटरव्यू में रिजेक्शन हो गया शी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा दुखी होती जा रही थी तो मोर एंड मोर डिप्रेस्ड या वेरी डिप्रेस्ड की जगह आप यूज कर सकते हो डिस्पोंडेड क्लियर सो डिस्पोंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी अटेंटिव या वेरी डिटेल या तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंटिव है हर एक बारीकी को देख के चीजें करता है या फिर कोई चीज़ ही बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है वेरी डिटेल्ड ठीक है हर एक बार एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड मेटिकुलस नाउ मेटिकुलस ज्यादातर हम उसी यू uh, नो you know, दोनों चीज़ों के लिए यूज करते हैं एक तो जैसे कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख के फिर स्टेप्स लेता है या कोई काम करता है या फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड इफॉर्मेशन या प्लानिंग जो हुई है बहुत बिल्कुल एक एक पॉइंट को डिटेल तरीके से देखकर फिर प्लानिंग की गई है तो वो सब कुछ क्या हो जाता है मेटिकुलस सो हिज मेटिकुलस प्लानिंग लेट टू द सक्सेस व्हाई वाज ही सक्सेसफुल बिकॉज़ ही हैड डन अ वेरी डिटेल्ड प्लानिंग तो इसीलिए क्या बोलोगे मेटिकुलस डन ऑलराइट नेक्स्ट इज वेरी बोरिंग इफ समथिंग इन लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग बिल्कुल कुछ भी मजा नहीं है तब हम बोलते हैं इट्स डल फॉर एग्जांपल अगर किसी की जो लाइफ स्टाइल है जैसे वो रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है ठीक है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है वेरी बोरिंग तब आप यूज़ करते हो वर्ड डल फॉर एक्जाम्पल यू वेंट टू अ पार्टी इट वॉज़ वेरी बोरिंग तो वहाँ पे बोल दो भाई इट वॉज अ डल पार्टी तो जब भी आपको वेरी बोरिंग बोलना है ट्राई टू रिप्लेस इट विद द वर्ड डल फॉर एग्जाम्पल योर लाइफ स्टाइल साउंडस डल मतलब जिस तरीके से तुम बता रहे हो डेली वही वही रूटीन है इट साउंड वेरी बोरिंग सो इट वुड बी इट साउंड्स डल क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी ब्रेव इफ समबडी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा हिम्मती बहुत ज़्यादा ब्रेव है कोई तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं करेजियस एवरीबडी नोज अबाउट बोथ द वर्ड ब्रेव एंड करेजियस बट हमें पता होना चाहिए अगर हमें बोलना है कोई बहुत ज्यादा ब्रेव है वेरी ब्रेव तो आप वर्ड यूज कर सकते हो करेजियस फॉर एग्जाम्पल आई हैव हैज ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर करेजियस पीपल लाइक हिम या फिर आई रियली रिस्पेक्ट यूअर लॉर्ड बिकॉज यू आर वेरी ब्रेव तो वेरी ब्रेव की जगह बिकॉज यू आर करेजियस तो करेजियस इज द राइट वर्ड इन स्टेड ऑफ यूजिंग वेरी ब्रेव डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी टायर सम या फिर वेरी बोरिंग अगेन वेरी बोरिंग अभी हमने देखा था बट ऐसा कुछ काम जो आपको मिल गया हो जो कि बहुत ज्यादा यू नो टायर सम भी है यानी बहुत ज्यादा आप uh, थक भी गए हो बहुत टायर्ड फील करो एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा बोरिंग भी था जैसे आपको कोई काम दिया गया ठीक है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा आपको टाइम लग रहा है आप थक गए हो ऑल्सो उसकी वजह से कोई मजा नहीं आ रहा है बहुत डल सा काम है तब आप यूज कर सकते हो वर्ड टीडियस फॉर एग्जाम्पल द जर्नी वॉज टीडियस इट वॉज अ टीडियस टास्क यानी डिफिकल्ट भी था बहुत ज्यादा टायर भी था और बहुत ज्यादा बोरिंग भी था क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी ईगर कीन हमने एक जगह देखा था मैं आपको बता रही थी राइट एक जगह हम कीन यूज करते हैं जब कोई चीज बहुत शार्प होती है वेरी शार्प जैसे ब्लेड हो गया नाइफ वगैरह का तो जब वो बहुत पॉइंटेड होता है तो हम बोलते हैं इट्स वेरी कीन ठीक है उसी तरीके से अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा ईगर है बहुत ज्यादा उत्सुक है क्यूरियस है इनक्विजिटिव है जानने के लिए कोई चीज दैट टाइम वी यूज द वर्ड की फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है आई एम वेरी ईगर टू नो हु इज टू नाइट तो यहाँ पर आप वेरी ईगर की जगह बोल दोगे आई एम कीन फॉर एग्जाम्पल आई एम कीन टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज जैसे आई एम वेरी ईगर टू लर्न न्यू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ नई लैंग्वेज सीखने के लिए तो बहुत ज़्यादा उत्सुक को एक ही वर्ड से रिप्लेस कर दो दैट इज वॉट की डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी एक्साइटेड इफ यू आर लाइक वेरी 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 एक्साइटेड फॉर समथिंग बहुत ज़्यादा खुश हो तब आप यूज कर सकते हो वर्ड अ थ्रिल्ड तो जब नॉर्मली एक्साइटेड एक्साइटेड बट इफ यू आर लाइक आम वेरी एक्साइटेड दैट आई वी कैन यूज द वर्ड थ्रिल्ड फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है द न्यूज़ ऑफ अर प्रमोशन

नेक्स्ट इज अ वेरी विंडी अगर कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही है बाहर इट्स वेरी विंडी आउटसाइड दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड ब्लस ट्री फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ वेरी विंडी डे यानी बहुत तेज हवा चल रही थी तो वेरी विंडी की जगह क्या यूज कर लिया आपने इट वॉज़ अ ब्लस ट्री डे क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी फैंसी अगर कुछ चीज़ जो है वो कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल ऐसी आ, फैंसी सी बहुत ज़्यादा ऐसी बोलते हैं ना पैसे वाली वेल्दी सी कोई चीज़ दिख रही है तब आप यूज करते हो वर्ड लैविश सो इफ समथिंग इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव समथिंग इज़ वेरी लाइक बहुत अच्छी खूबसूरत ऐसे पैसे वाली जैसे मूवीज में दिखाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो लैविश है फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ वेरी फैंसी पार्टी यानी कि बहुत ज़्यादा ही ऐसे ऐसे लोग आए थे बहुत ज़्यादा खर्चा किया था पार्टी में तो वेरी

नेक्स्ट इज अ वेरी मीन अगर कोई बहुत ज्यादा सेल्फिश है मीन मतलब सेल्फिश अगर कोई बहुत ज्यादा अपने बारे में सोच रहा है बहुत ज्यादा सेल्फिश है तो वो क्या करेगा वो हमेशा हर एक चीज में सिर्फ अपना फायदा देखेगा और उसकी वजह से किसी का भी नुकसान हो सकता है तो उस पर्सन को हम बोलते हैं क्रूअल यानी संबड़ी इज सेल्फिश हिज मीन बट इफ संबड़ी इज वेरी मीन दैट पर्सन इज क्रूअल फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट क्रूअल पीपल बहुत सही एक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट दीपल हुआ वेरी मेन यानी कि हु आर क्रूअल डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी मेसी अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसी हॉटस्पॉट सी चीजें हैं बहुत ज्यादा गंद मचा रखा है बहुत ज्यादा मेसी है हर चीज इधर उधर है तब हम यूज कर सकते हैं वर्ड स्लोवेनली फॉर एग्जाम्पल द लैंड लॉर्ड वॉज वेरी मेसी तो आप बोल सकते हो द लैंड लॉर्ड वॉज स्लो यानी बहुत ज्यादा मेसी थे बिल्कुल साफ सफाई नहीं थी तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो डन ऑल राइट नेक्स्ट इज द वेरी नीट अगर किसी को बहुत पसंद है कि यू नो हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट हो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो तो वेरी नीट की जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इमैक्यूलेट फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज़ प्रेफर टू कीप माई रूम इमैक्यूलेट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि भाई मेरा रूम जो हो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हो वेरी नीट हो सो आई प्रेफर इट शुड बी इमैक्यूलेट डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी नेसेसरी अगेन अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं असेंशियल फॉर एक्जाम्पल आप पढ़ते भी हो दीज न्यूट्रियस आर असेंशियल फॉर योर हेल्थ दिस फूड इज असेंशियल फॉर यू तो इस तरीके से असेंशियल तभी यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तो वेरी नेसेसरी इट वुड बिकम असेंशियल फॉर एग्जाम्पल रीडिंग एवरी पॉइंट केयरफुली इज असेंशियल हर एक पॉइंट को पढ़ना या फिर रीडिंग एवरी पॉइंट इन एन अग्रीमेंट इज़ वेरी नेसेसरी सो इट्स असेंशियल डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी नर्वस अगर कोई बहुत ज़्यादा नर्वस है बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें दैट टाइम वी यूज द वर्ड अप्रीहेंसिव फॉर एग्जाम्पल ही वॉज सर्टेनली अप्रीहेंसिव बट डिड नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन विथ मी यानी उसको देख के समझ आ रहा था हंड्रेड परसेंट वो बहुत ज़्यादा नर्वस था बट उसने मुझे कुछ बताया नहीं कि वो क्यों नर्वस था सो इफ समबडी इज़ अ वेरी नर्वस इट मीन्स अप्रीहेंसिव इज द राइट वर्ड डन और राइट

था या समथिंग तो हम बोलते हैं फेस हैज टर्न वेरी पेल मतलब पीला पड़ गया है फीका पड़ गया जो हम बोलते हैं सो वी कैन यूज द वर्ड एशियन फॉर एग्जांपल हिज फेस वाज एशियन आई एम श्योर ही वाज इल यानी हिज फेस वाज वेरी पेल इसका मतलब वो बहुत बीमार था डन ऑलराइट नेक्स्ट वन इज़ वेरी परफेक्ट अगर कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है लाइक इट्स वेरी परफेक्ट कुछ भी गलती नहीं है दैट टाइम वॉट वी सेज़ फ्लॉलेस यानी कोई गलती नहीं थी फ्लॉज मतलब मिस्टेक्स सो हर आंसर्स वर फ्लॉलेस यानी उसके आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट थे डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी प्लेजेंट अगर कोई जो है जिसकी पर्सनालिटी बहुत प्लेजेंट है कोई हमेशा खुश रहता है बहुत प्यार से बात बात करता है सबसे तो हम यूज करते हैं वर्ड एमिएबल फॉर एग्जाम्पल शी हैड अ एमिएबल पर्सनैलिटी यानी उसकी बहुत ज्यादा प्लेजेंट पर्सनैलिटी थी शी वॉज अ एमियेबल पर्सन तो इस तरीके से आप एमियेबल का यूज करते हो डन ड नेक्स्ट इज अ वेरी पावरफुल अगर कोई चीज़ जो है वो पावरफुल इन द सेंस ऐसे है कि जिसकी वजह से आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो यू काइंड ऑफ डू दैट तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है ना लाइक वी गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट विच आर वेरी पावरफुल सो इट इज कंपेलिंग लाइक इट फोर्सेज यू सो द सीरीज वर सो कंपेलिंग दैट आई एंड आर वॉचिंग ऑल द एपिसोड लाइक हम वेब सीरीज देखते हैं कोई बुक पढ़ते हैं कोई मूवी देखते हैं वेर वी नो कि भाई अब सो जाना चाहिए बट दे आर सो पावरफुल वेरी पावरफुल यानी ऐसा इंटरेस्टिंग सा रहता है कुछ टॉपिक दैट इट्स कम टेंगे जि, जिसकी वजह से आप फोर्सफुली जो है पूरी मूवी देखकर फ्री सोते हो डन और राइट नेक्स्ट इज वेरी फैट इफ समबडी इज़ लाइक वेरी फैट कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो हम वर्ड यूज करते हैं ओबीस एंड ओबीस इज समथिंग जो कि एक ऐसी कंडीशन हो जाती है वन पर्सन इज वेरी वेरी फैट जिसकी वजह से दे काइंड ऑफ स्टार्ट डेवलपिंग सम कंडीशन समिसीजेस सो ओबीस पेशेंट्स वर एडवाइज टू चेंज देयर डाइट सो कभी भी कोई ओबीस पेशेंट था या फिर वो है वेरी फैट आपको यूज़ करना है सो दे वर एडवाइज दे शुड स्टार्ट डाइटिंग अदरवाइज दे कंडीशन कैन गेट क्रिटिकल डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी फ्रेंडली इफ समबड़ी इज लाइक वेरी फ्रेंडली बहुत प्यार से बात करता है एंड नेवर यू फाइंड लाइक अनकंफर्टेबल एंड यू आर समबड़ी जो हर किसी से यू you नो know, जल्दी से पीपल्स पर्सन हो जल्दी से मिलजुल जाते हो दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड अफेक्शनेट फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन तो आप बोल सकते हो माई ब्रदर इज अफेक्शनेट पर्सन डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी फनी अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही हंसी मजाक वाली थी लाइक like, हंसी नहीं रुक रही किसी चीज को देखकर तो हम बोलते इट वॉज वेरी फनी तो आप बोल सकते हो इट वॉज हिलेरियस फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड द कम्प्लीट सिचुएशन वेरी फनी भाई जो कुछ भी हुआ कुछ ज्यादा ही फनी था तो आप बोल सकते हो आई फाउंड द कम्प्लीट सिचुएशन हिलेरियस डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट इफ समथिंग इज लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फॉर यू जैसे हमने बोला था वेरी हार्ड तो आपने डिफिकल्ट बोल दिया बट इफ समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही करने में दैट मींस दैट टास्क इज चैलेंजिंग फॉर एग्जाम्पल शी परफॉर्म द चैलेंजिंग टास्क स्मूथली उसने जो भी चैलेंजिंग टास्क था उसको बहुत ईजीली या स्मूथली जो है कर लिया डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी डिस्ट्रेसिंग अगर कोई चीज है जो बहुत ज्यादा सैड है बहुत ज्यादा टेंशन देने वाली है दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड ड्रेडफुल फॉर एग्जाम्पल हि स्टोरी फॉज ड्रेडफुल टू मी यानी उसकी स्टोरी जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग बहुत ज्यादा सैड करने वाली थी सो इट वॉज ड्रेडफुल डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ वेरी थर्स्टी इफ़ यू आर लाइक बहुत ज़्यादा आपको प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको कुछ ना कुछ चाहिए पानी पीने के लिए उस कंडीशन में आप बोलते हो आई एम वेरी थर्स्टी यू कैन से पार्षड फॉर एग्जाम्पल आई हार्ड अ फ्रूट जूस एज आई वॉज पास्ट मेरे को भाई जो भी मिला है हार्ड फ्रूट जूस की बॉटल तो मैंने वही पी लिया बिकॉज आई वॉज पास्ड आई वॉज वेरी थर्स्टी डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ व व व वेरी ग्लैड इफ़ यू आर लाइक अ वेरी वेरी हैप्पी तो आप क्या बोल सकते हो आई एम ओवर जॉयड यानी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सो आई वॉज ओवर जॉयड टू मीट माई फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी वेरी ग्लैड टू मीट माई फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो आप यूज़ कर सकते हो आई वॉज ओवर जॉय डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वेरी कोर अगर किसी चीज का बिल्कुल सब्सटेंस बोलते ना एक निचोड़ भाई पूरी मुद्दे की बात ये है अगर दो घंटे की मीटिंग होती है उसका एक पॉइंट जिसमें वो पूरा समराइज हो जाए उसे कहेंगे वेरी कोर तो उसके लिए वर्ड होता है जस्ट दैट मीन्स द जस्ट ऑफ द फैमिली वॉज दैट सॉरी फॉर द मीटिंग वॉज दैट एवरी वन हैड टू वर्क ऑन वीकेंस ऑल्सो फॉर एक्जाम्पल कोई मीटिंग वगैरह हुई ऑफिस में और उसमें इतनी सारी बातचीत हुई बातचीत हुई एंड समबडी वॉज लाइक एब्सेंट तो उसने पूछा भाई क्या बताया मीटिंग में यू विल बी लाइक बस एक मुद्दे की बात

You know, kind of uh, polish your speaking skills or writing skills. So, I hope this will be very helpful for you. So, with this, we come to an end of this video. But yes, in the next video, we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.